गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो आज फिर से हम लोग तैयार हैं. आई थिंक ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसका ये थर्ड लेक्चर है. ठीक है ना. पिछले दो लेक्चर में हमने किस बारे में डिस्कस किया था? फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया. सेकेंड लेक्चर में हमने आई थिंक कूलम्स लॉ के बारे में डिस्कस किया. तो कूलम्स लॉ का सबसे हमने स्पेशल केस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम और उसमें क्या फोर्सेज लग रहे हैं, उस फोर्सेज के कारण और बेसिक क्या क्या फेनोमेनास हो रही थी, वो प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने देखा. कूलम्स लॉ के जो फोर्सेज थे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब भी हमने डिस्कस करी थी. इस लेक्चर में भी हम लोग कूलम्स लॉ को ही आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कूलम्स लॉ में अगर हम देखें, हमने अभी तक केवल 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम को स्टडी किया है. बट अगर उससे ज्यादा चार्ज सिस्टम है तो क्या होगा? ठीक है, उस केस में हम कैसे फोर्सेस निकालेंगे? इसके अलावा चूंकि फोर्स है, आपको पता है मैकेनिक्स में फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फोर्स के हेल्प से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, निकाल सकते हैं फोर्स के हेल्प से फिर हम मोशन कैसा होगा, ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे और ये सारे हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में कंसिडर करेंगे. मेनली तो हम लोग फोर्स एनालिसिस. अच्छा, मैं ये टॉपिक जब डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं एक जनरल अजम्पशन मान रहा हूँ. ठीक है, जनरल अजम्पशन ये है कि बाबू आपको वेक्टर अप्रोच मींस वेक्टर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, मींस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है, आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करना एक्स में वाई में, ये सारी चीजें आनी चाहिए क्योंकि इसकी इसमें जरूरत पड़ने वाली है. अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आ रही है तो प्लीज गो थ्रू इट, उसके बाद ही आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगा, क्योंकि इसमें हम लोग फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे बार बार, अनेक बार. ठीक है ना, इसके साथ साथ हम पैरेललोग्राम लॉ भी बार बार यूज करेंगे, तो वो सब भी आपको ध्यान में रखना है कि वो रेगुलर बेसिस पे यूज होता रहेगा. ठीक है, तो बहुत सारे ढेर सारे प्रॉब्लम भी करेंगे. मैं बार बार कह रहा हूँ, ज्यादा फोकस मेरा किस पे है? प्रॉब्लम सॉल्विंग पे है. ठीक है, इन द मीन टाइम मैं अभी नाम ले लेता हूँ जो जो लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. लेट्स सी, आई थिंक मनु, राघव, एरियन, योगेश, कल्पना, कार्तिकेय, दीपक, आशुतोष, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी को गुड मॉर्निंग, और सभी लोग तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ. और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस पर काम कर रहे हैं कि सब्सक्राइबर की संख्या कैसे बढ़ेगी. ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट कि आप इस पर काम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है, तो प्लीज इस पर काम करते रहिए कि कैसे सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, हाउ इट विल रीच 1000 सब्सक्राइबर, इस पर ध्यान देते रहिए. हम लोग अब पूरा टाइम पूरा फोकस अपना इस पे कर रहे हैं कि कैसे हम इस चैप्टर को बेहतर से बेहतर वे में, जो लोग मुझसे पहले भी पढ़ चुके हैं दे विल बी अगेन बेनिफिटेड, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं नए कराऊंगा. ठीक है, तो आपको भी काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं डिटेल डिस्कशन कर रहा हूँ. जितना मैं इन जनरल जो मैं क्लास में अगर प्रॉपर बैच में जितना मैं कराता हूँ, तो उससे ज्यादा मैं यहाँ क्वेश्चन करा रहा हूँ. तो आई डोंट थिंक कि आपको कहीं से ये लगेगा कि हाँ कम बता रहा हूँ. सो ऑलरेडी मैं बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कलेक्शन तो मेरे पास है ही, बट देयर इज सर्टेन टाइम लिमिट, उसके कारण मैं कम करा पाता था. बट यहाँ ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा से ज्यादा आपको अप्रोच दिया जाए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले. ठीक है, एक्सपोजर ही इंपॉर्टेंट है. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट डिस्कशन अबाउट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, हमारी शुरुआत वहीं से करनी है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मैं एक छोटा सा आपको एक इलस्ट्रेशन, एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं सबसे पहले. ठीक है, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान से देखिए. देखिए क्या है कि सपोज हमारे पास दो स्फीयर थे, ध्यान दीजिएगा, सपोज हमारे पास दो स्फीयर थे एग्जैक्टली एकदम आइडेंटिकल, मान लें इस पे चार्ज है क्यू और ये भी एकदम सेम वैसा ही स्फीयर है, जस्ट कंसेप्चुअल प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे. इस पे भी चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज है Q, और इनके बीच की दूरी है R, मान लेते हैं R, मानिए D मानिए, इनके बीच की दूरी है R, इसका खुद का रेडियस है R, इसका भी खुद का रेडियस है R, ठीक है ना. तो पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम, ये सिंपल सा सवाल है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन देम, इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा. तो थोड़ा सोचिए इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा. इसमें साथ में दिया हुआ है कि D इज कंपेरेबल टू R, D
डी बहुत बड़ा नहीं है, डी इज कंपेरेबल टू आर, आर के कंपेरेबल है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि कैसे निकालिएगा। तो कैसे निकालिएगा आप, कोशिश कीजिए। D is comparable to R, कैसे ट्राई कीजिएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें फोर्स तो सिंपल हो जाएगा, F equal to K Q1 Q2, तो K Q1 Q2 upon R square, R की जगह यहाँ इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी D square। अगर इतना आसान होता तो इसको मैं आज करा रहा होता। ये बिल्कुल गलत आंसर है, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है, थोड़ा सोचिए। ये बिल्कुल गलत आंसर है, कोई बता सकता है क्यों ये गलत आंसर है? ठीक है, ये आंसर नहीं होगा अभी, एक दूसरे पे ये फोर्स नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों ऐसा है, कभी सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है? तो बात बड़ी सिंपल है कि अगर ये डी छोटा है, अगर ये डी दूरी कम है, तो ये बड़े बड़े चार्जेस हैं, दीज आर नॉट पॉइंट चार्ज, दीज आर नॉट पॉइंट चार्ज, और अगर ये पॉइंट चार्ज नहीं है तो कूलम्स लॉ सिंपली एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सो दीज टू आर, इफ डी इज कंपेरेबल टू आर, स्फीयर्स आर नॉट पॉइंट चार्जेस, स्फीयर्स आर नॉट पॉइंट चार्जेस। और याद कीजिए मैंने लिमिटेशन में लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि कूलम्स लॉ केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। अगर यही डी बहुत दूर हो जाए तब इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, तब इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, बट अभी के लिए हम इसे पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। अब अगर अभी ये पॉइंट चार्ज नहीं है, इसका मतलब है कि इसके बीच कूलम्स लॉ लगेगा ही नहीं, तो ऐसी कोई एक्सप्रेशन नहीं होगी और ये बिल्कुल गलत होगा। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, यानी f की वैल्यू k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर तो नहीं होगी। चलिए ये ठीक है, समझ में आ गया, इसकी ये वैल्यू नहीं होगी, ये ठीक है। तो फिर इसकी क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हम वैल्यू अगर नहीं निकाल पाए तो इतना हम गेस करें, ठीक है, हमारे पास वैल्यू निकालने का मेथड नहीं है, बट आपसे वो ऑप्शंस में पूछेगा कि इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, कैसी होगी। अगर इसको आपको गेस करना हो तब क्या करिएगा, जल्दी से बताइए। उस केस में तब आप क्या कीजिएगा, ठीक है। हाँ, साइज ऑफ स्फीयर आइडेंटिकल है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन स्फीयर बड़े हैं क्योंकि ये डी उसने बोला है, डी इज कंपेरेबल टू आर, इसीलिए हम इसे पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते, फर्स्ट केस। अब ठीक है, अगर इसको नहीं मान सकते तो कूलम्स लॉ भी नहीं लगेगा, KQ1 Q2 upon R square का फॉर्मूला फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स, ये जो फोर्स है इनके बीच में, जो एक्चुअल फोर्स है, वो KQ square upon D square से ज्यादा होगा या कम होगा, अगर आपको ये गेस करना है, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कैसे होगा। तो एक बात समझिए, जब ये पास पास होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब ये पास पास होंगे तो इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ कुछ नेगेटिव इंड्यूस होगा, इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ कुछ नेगेटिव इंड्यूस होगा, ध्यान दे रहा है। इसका मतलब है आप कह सकते हैं इसके कारण जो है इंडक्शन होगा और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा। ध्यान दीजिए, इसके ये जब पास में आया तो इसके कारण आपको पता है फाइनाइट साइज बॉडी पे क्या होता है, इंडक्शन। इसके पॉजिटिव के कारण यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, इज इट क्लियर। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है इसका नेट डायग्राम आप बोलेंगे ऐसा होगा, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से समझिए, और यहाँ कम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम होगा, इज इट क्लियर। यहाँ कम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो पहले और पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ था, पहले पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर यहाँ था, अब ये सेंटर यहाँ न होने के बजाय कहीं यहाँ हो जाएगा। दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज, दिस इज द सेंटर ऑफ चार्ज, ध्यान से समझिए, पहले पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कहाँ था, बीचों बीच था, क्योंकि हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम था। अब क्या होगा, क्योंकि इधर चार्ज ज्यादा तो इधर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, मतलब चार्ज का सेंटर अब यहाँ न होने के बजाय कहीं यहाँ होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? सिमिलरली इसका इफेक्ट इस पे होगा, तो इसका भी चार्ज सेंटर यहाँ ना होने के बजाय कहीं यहाँ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं ये पूरा क्यू चार्ज एक्चुअली में यहाँ है, और ये पूरा क्यू चार्ज एक्चुअली में यहाँ है, और इसके बीच की दूरी जो आर है वो कितनी है, ग्रेटर देन डी। इसके बीच की दूरी, दो चार्जेस के बीच की दूरी आर जो है वो एक्चुअली में क्या है, डी से बढ़ गई है।
डी से बढ़ गई है। अब इसके बीच में अगर आप फोर्स बोलेंगे तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आप आर इफेक्टिव कर सकते हैं समझने के लिए, तो फोर्स इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर इफेक्टिव का होल स्क्वायर। बहुत ही खूबसूरत सवाल, कंसेप्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है। इन जनरल मैं क्लास में नहीं कराता हूँ, लेकिन आखिर ऑनलाइन क्लास का कुछ तो फायदा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, मैं हमेशा से ये करवाना चाहता था, लेकिन क्लास में इन जनरल मैं सोचता था चलिए छोड़िए क्या बताना है। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन आर इफेक्टिव स्क्वायर, ये फोर्स होगा अगर मैं एक्चुअल फोर्स की बात करूँ। और यहाँ देख सकते हैं कि जो आर इफेक्टिव है, आर इफेक्टिव इज ग्रेटर देन डी, आर इफेक्टिव जो है वो डी से तो बड़ा है, साक्षात आपको दिख रहा है। तो अगर आर इफेक्टिव डी से बड़ा है, इसका मतलब ये फोर्स कम होगा, तो इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्चुअल, जो एक्चुअल फोर्स होगा, दैट विल बी लेस देन के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। आर इफेक्टिव कितना होगा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट एक रफ आइडिया तो लगा ही सकते हैं कि एक्चुअल फोर्स, चूंकि आर इफेक्टिव ग्रेटर देन डी है, तो ये फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। मोहित, हेलो मोहित, ठीक है, इसको ध्यान से लिख लीजिए एक बार, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। बहुत ही खूबसूरत सवाल था, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्चुअल सवाल था। इसने आपको सिखाया कि कैसे पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट में ही कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, उसके बाहर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इज इट ओके, क्या क्लियर है? अच्छा चलिए रब कर दूं, ठीक है। अच्छा इसी में अगर आपसे ये लिख दे, इसी में अगर आपसे ये मेंशन कर दे कि d इज ग्रेटर ग्रेटर देन r, अब देखिए तब आपका आंसर बदल जाएगा। अब बोला है कि ये d बहुत बड़ा है, एक्चुअली में ये d जो है बहुत बड़ा है, तो उस केस में हम इस r को क्या, इस स्फीयर को क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज। तो नाउ स्फीयर्स आर पॉइंट चार्जेस, नाउ स्फीयर्स आर पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, और वहां से हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। वहां से हम आंसर निकालेंगे तो वहां से आंसर सिंपल आ जाएगा, f इक्वल टू आप देखिए ना, अर्थ को भी हम पॉइंट चार्ज मान लेते थे, सॉरी पॉइंट मास कब मानते थे, इवन इतनी बड़ी अर्थ को भी पॉइंट मास मान लेते थे, कब, जब हम अर्थ से सन की दूरी को देखते थे, अर्थ से सन की डिस्टेंस के अगर कंपैरिजन में अर्थ इज अ पॉइंट मास। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि अगर ये डी है और ये डी अगर आर से बहुत ज्यादा है, उस केस में हम दोनों को क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्जेस मान सकते हैं, और आसानी से उसमें कूलम्स लॉ लगा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही खूबसूरत सवाल, इसको ध्यान से समझिए और मेंशन कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकता है। चलिए ये तो रही बात हमारे पास कि हमें कैसे पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमने कूलम्स लॉ को देखा कि कूलम्स लॉ कब एप्लीकेबल है नहीं। ऑलरेडी मैं लिमिटेशन बता चुका हूँ कि लिमिटेशन है इसके, पहला कूलम्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस के लिए। दूसरा, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर चार्जेस एट रेस्ट, क्योंकि चार्ज अगर मोशन में होगा तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज, आपको बताया था, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, पता है आपको। तो पहली बात है कि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, दूसरा चार्जेस एट रेस्ट, और तीसरा क्या था, आर उनके बीच की दूरी 1 फर्मी 10 की पावर माइनस 15 मीटर से तो ज्यादा ही होनी चाहिए, उससे कम पे वैलिड नहीं है। चलिए तो अब हम कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, तो लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का ही वेक्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। तीन चार बार बोलते रहेंगे सारी चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। वेक्टर फॉर्म में बार बार कह रहा हूँ, वेक्टर का अप्रोच आपको पहले से पता होना चाहिए, हालांकि मैं यहाँ बताऊंगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको पहले से आइडिया हो, दैट विल बी क्वाइट गुड, ठीक है, उसका आपको फायदा मिलेगा। अच्छा देखिए, ये आपके पास मान लीजिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और मान लेते हैं कि दो चार्जेस है, मान लीजिए कि एक चार्ज यहाँ है क्यू वन एट पॉइंट ए, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू वन एट पॉइंट ए, और इसकी पोजीशन वेक्टर है r1, ध्यान से समझेंगे। एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे है पॉइंट b पे, और q2 है, b का पोजीशन वेक्टर है r2, ध्यान से समझेंगे। q1 चार्ज है पॉइंट a पे रखा हुआ है, q2 चार्ज है पॉइंट b पे, a और b दोनों का पोजीशन वेक्टर r1 r2 है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए
कि इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये फोर्स हमेशा इसी लाइन के अलोंग लगाएगा, ठीक है। अगर आप देखें कि B A पे फोर्स लगाया, यानी Q2 Q1 पे फोर्स लगाया और Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, बड़ी साधारण सी बात है। अच्छा, Q2 Q1 पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव, अभी अपने सुविधा के लिए दोनों को पॉजिटिव मानते हैं, अगर पॉजिटिव मानते हैं तो रिपेल करेगा, तो Q2 Q1 पे इस तरह फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन वन बाई टू, नोटेशन को ध्यान से समझेंगे, F12 जो मैं लिखूं इसका मतलब है फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। अच्छा, उसी तरह से Q1 इस पे फोर्स लगाएगा तो इस तरफ लगाएगा रिपल्सिव, क्योंकि दोनों को पॉजिटिव माना है मैंने, ठीक है, तो ये फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन टू बाई वन, ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका नेमिंग जान लीजिए, एफ वन टू का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फोर्स ऑन क्यू वन बाई क्यू टू, ताकि आगे कोई दिक्कत हो, ये बात हमेशा समझेंगे, एफ वन टू का मतलब होगा फोर्स ऑन क्यू वन बाई क्यू टू, ठीक है, ध्यान में रखना है, चलिए ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपसे कोई इसका मैग्नीट्यूड पूछे, चाहे एफ वन टू है, अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड आप क्या बताइएगा, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, तो मैग्नीट्यूड तो कहेंगे सर ये सिंपल है कि Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी r स्क्वायर, इनके बीच की दूरी क्या है ab, तो आप बोलेंगे ab का होल स्क्वायर, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, बड़ी साधारण सी बात है, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन हमें अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, एक बात तय है ये वेक्टर इस तरफ है, तो अगर मैं यहां एरो लगा दूं तो ये वेक्टर हो जाएगा, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, लेकिन अब हमें इसमें डायरेक्शन इनकॉर्पोरेट करना है, इसमें डायरेक्शन भी दिखाना है, तो बताइए F12 किस तरफ है, B से A की तरफ, F12 किस तरफ है, B से A की तरफ, क्या मैं यहां लिख सकता हूं BA कैप, BA कैप का मतलब है B एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके अलावा, B से A की तरफ, B से A की तरफ, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगी, ठीक है, आसानी से समझ में आ रहा है। अच्छा, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, दिस इज K Q1 Q2 अपॉन ए बी लिखूं बी ए लिखूं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी ए होल स्क्वायर, क्योंकि ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं है, इनटू बी ए कैप कोई किसी भी वेक्टर को क्या यूनिट वेक्टर को क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही तरीका है, कोई भी यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही सिंपल सी चीज है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अच्छा, बी ए वेक्टर है क्या, जरा यहाँ डायग्राम में देखिए, तो बी ए वेक्टर अगर आप देखें, ये वेक्टर है B से A की तरफ, मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है, कभी भी जानिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r फाइनल माइनस r इनिशियल, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r फाइनल माइनस r, तो BA B से A मतलब ये फाइनल है और ये इनिशियल है, आसानी से समझ में आ रहा है, अगर ये फाइनल है तो आप कहेंगे B से A में तो फाइनल दैट इज r1 माइनस r2, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जरूरत पड़ने पे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज r12, क्योंकि याद कीजिए मैकेनिक्स अगर आपने किया होगा तो मैकेनिक्स में हम खूब लिखते थे, जैसे कहीं पे लिखा होता था VAB, तो VAB का क्या मतलब होता था, VA माइनस VB, याद है, अरे याद है, ये काम खूब आपने किया हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी में, उसी तरह से r1 माइनस r2 को क्या लिख सकते हैं, r12 एकदम ही सिंपल है, तो मतलब कि VA वेक्टर को हम लिख सकते हैं r1 माइनस r2, जल्दी से इसको मेंशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा k q1 q2 अपॉन, अच्छा ba स्क्वायर और एक और ba, ba क्यूब हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ r1 माइनस r2 अ होल क्यूब इनटू r1 माइनस r2, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, दिस इज फोर्स ऑन वन इक्वल टू, ठीक है, क्लियर, आसानी से समझ में आ रहा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दिस इज k Q1 Q2 upon R1 minus R2 को मैं directly R12 लिख दूँ short में, so R12 R12 cube into R12 vector, this is force, इसको आपको ध्यान में रखना है, this is quite simple, K Q1 Q2 upon R12 cube R12 vector, R12 का मतलब है R1 minus R2, एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक बार जल्दी से देख लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये समझाने के लिए लिखा था, सो दिस इज एफ वन टू। अब मुझे उम्मीद है कि अपने आप में आपको एक टेक्निक दे रहा है, क्या टेक्निक दे रहा है, अगर एफ वन टू पूछा है तो हर जगह वन टू, यहाँ भी वन टू है, अगर उसी तरह से कोई पूछे एफ टू वन,
अगर कोई पूछे देयरफॉर F21 तो F21 में कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब हम इतनी मेहनत क्यों करें, हमें तो डायरेक्ट रिजल्ट पता है। जब 1-2 था तो यहाँ भी 1-2 आया था, तो जब 2R होगा तो हर जगह 2-1 आ जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाई Q1। सबसे पहले तो ये जानिए फोर्स ऑन 2/1, तो बताइए कितना हो जाएगा, दिस इज के Q1 Q2 अपॉन दिस इज के Q1 Q2 अपॉन अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा R21 का होल क्यूब इनटू R21 कट, इस तरह से आ जाएगा। R21 का क्या मतलब होगा, अगर कोई पूछे R21 का मतलब बताइए, तो R21 का मतलब होगा R2 - R1। इसका मतलब है R21 और R12 जस्ट क्या है, अपोजिट है, सो दिस इज माइनस ऑफ R12। R21 और R12 में जस्ट देख सकते हैं जस्ट एक अपोजिट रिलेशन है और कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21। मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं, ये दूरी इधर कहीं है या इधर कहीं है, इस दूरी में तो कोई फर्क नहीं आएगा। इसका मतलब है, यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ, आपको पता भी है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होते हैं, केवल डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, और डायरेक्शन अपोजिट देखिए यहाँ आ रहा है, क्योंकि R12 का जस्ट क्या है, नेगेटिव है, जस्ट क्या है, नेगेटिव है, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया, therefore F21 is minus of F12, ध्यान में रख लेना, F21 is minus of F12, इस फॉर्मूले को बार बार हम इस्तेमाल करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से हम निकाल सकते हैं और इससे वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम पूछे इस तरह की आप एनालिसिस कर सकते हैं, और वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, फोर्स वेक्टर फॉर्म में आप फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल करें, क्लियर, इसको रब कर दूं, तो एक छोटा सा सवाल जल्दी से देखिए, एकदम ही आसान, थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं है, मजाक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, एकदम ही आसान है। देखिए कैसे क्या करना है, सपोज देखिए, लिखिए टू पॉइंट चार्जेस। अच्छा, एक चीज वहां नोट में पीछे लिख लीजिए, पीछे नोट में लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे, नोट में ये लिखिए कि अभी हमने जब वेक्टर फॉर्म लिखा था तब वहां पे एक छोटी सी बात कही थी कि दोनों को हमने पॉजिटिव माना था, लेकिन जरूर थोड़ी हो सकता है एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना। तो एक सिंपल बात याद रखिए कि आपने जो अभी फॉर्मूला डेवलप किया है, जैसे फोर्स F12 आपने क्या डेवलप किया था, F12 डेवलप किया K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब R12 वेक्टर, ये डेवलप किया था, ठीक है, ये डेवलप किया था। अब इसमें आप क्या कीजिए, पुट Q1 Q2 विद साइन के साथ पुट कीजिए, कब, जब आप वेक्टर फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो नोट में इसी को लिख लीजिए, While applying vector form, put Q1 Q2 with sign, put Q1 and Q2 with sign. पीछे याद कीजिए, पिछले क्लास में हमने कोई साइन वगैरह नहीं पुट किया था, लेकिन अब साइन की जरूरत है क्योंकि अब आप वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। सो पुट Q1 Q2 जैसा साइन, पॉजिटिव है पॉजिटिव डालिए, नेगेटिव है नेगेटिव डालिए, क्योंकि वो अपने आप कैरी कर लेगा, ठीक है। सो वेक्टर फॉर्म के लिए पुट Q1 Q2 याद रखना है, पुट Q1 Q2 with sign, एकदम ध्यान में रखना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो हो जाएगा गलत। चलिए देखिए, अब यहाँ पे अगर ध्यान दें, क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है, देखिए टू पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं Q1 = 1 μC एंड Q2 = -3 μC, Q1 = 1 μC एंड Q2 = -3 μC are placed at 1, 0, -3 and -1, ठीक है, +1, 3, 4, +1, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है, फाइंड फोर्स ऑन Q1 / Q2, बड़ा साधारण सवाल है, जल्दी जल्दी फाइंड फोर्स ऑन Q1 / Q2,
ठीक है, फोर्स ऑन क्यू वन बाई क्यू टू, ये आपको करना है, कोशिश कीजिए। एकदम ही आसान सवाल है, फोर्स ऑन क्यू वन बाई क्यू टू, मतलब आपको एफ वन टू निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स ऑन वन बाई टू, तो मतलब आपको एफ वन टू निकालना है। F12 निकालने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी, K Q1 Q2 upon R12 का होल क्यूब, R12 वेक्टर, यही होगा। तो मतलब आपको R12 निकालना है, कुछ नहीं शुरू हो जाएंगे। तो R12 के लिए क्या चाहिए आपको, पहले R1 चाहिए, फिर आपके पास R2 चाहिए। तो ध्यान से देखिए, R1 क्या है, Q1 का पोजीशन वेक्टर, दिस इज R1। R1 क्या होगा, i cap plus 0j cap minus 3k cap, तो आ गया i cap minus 3k cap। अच्छा R2 क्या होगा, R2 क्या होगा, ध्यान से देखिए, R2 यही है सेकंड चार्ज का पोजीशन, सो 3i cap plus 4j cap plus k cap, कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको चाहिए R12, तो R12 का मतलब क्या होगा, R1 minus R2 minus कर दीजिए, अरे जल्दी जल्दी एकदम ही आसान है, R1 minus R2, तो I minus 3I that is minus 2I cap, ठीक है, J इसमें तो J है ही नहीं, तो सिंपली आ गया minus 4J cap, और minus 3 minus K, so this is minus 4J cap, मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है, this is R12, R12 का magnitude कितना होगा, R12 का magnitude निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, root under this square, कितना जाएगा, देख लीजिए, R12 का magnitude, तो 2 square plus 4 square plus 4 square, और यहाँ से आ गया ये 6, मैंने जानबूझकर सॉल्व करके दिया था, so this is 6, ठीक है, just put the value, so F12 equal to K, K कितना होता है, 9 into 10 की power 9, Q1, Q1 कितना है, 1 microcoulomb, यानी 1 into 10 की power minus 6, Q2 कितना है, minus 3, minus डालिए, minus 3 into 10 की power minus 6, into R12, R12 कितना है, R12 कितना है, minus 2i cap, minus 4j cap, minus 4k cap, पूरा लिख दीजिए, थोड़ा सा यहाँ, minus 2i cap, minus 4j cap, minus, यही वाली बात यहाँ लिखिए, upon R12 cube, R12 कितना है, 6, तो 6 का cube, यानी 6 into 6 into 6, this is quite simple, solve कर लीजिए इसको, देखिए कितना आ रहा है, solve करके देखिए कितना आ रहा है, very simple problem, बट ये आपको ध्यान देगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 3 2 जा 3 2 जा, ऐसा कुछ आ जाएगा, सो समथिंग 1 upon 24 आ जाएगा। ये देखिए 10 की बार क्या जाएगा, एक और 3 है, 3 से इसको भी कैंसिल कर देते हैं, ये 8 आ जाता, सो 1 upon 8 into 10 की पावर -3, आई थिंक -3 होगा, देखिए ना 12 है और 9 है, तो आई थिंक -3 होगा, और माइनस को अगर आप यूज करें तो इस माइनस से ये सारा माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2i cap plus 4j cap plus 4j cap, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सब में से 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 into 10 की पावर -3 i cap plus 2j cap plus 2j cap, ये आपके पास आ गया, किसकी वैल्यू, दिस इज फोर्स ऑन 1/2। अगर कोई आपसे पूछता है F21 बताइए, तो जस्ट माइनस ऑफ F12, कोई ज्यादा जानकारी नहीं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं जरूरत, तो कोई भी एक निकालेंगे दूसरा अपने आप आ जाएगा, आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसने पूरा आपको वेक्टर अप्रोच सिखाया कि कैसे करना है, कैसे काम करना है, कैसे प्रोसीड करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई कैप जे कैप के कैप पे हमें अप्रोच कर सकते हैं, मेनली 2D में भी हो सकता है, अभी कोई जो क्वेश्चन किया हमने ये 3D का किया, तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा किया, ठीक है, चलिए सुधार रहा हूँ, इसको मैं रब कर दूँ, अच्छा ठीक है, ये तो था कि अगर हमारे पास दो ही पॉइंट चार्ज सिस्टम, अभी भी हमने दो को ही देखा, ठीक है, दो को देखा बट वेक्टर फॉर्म में देखा, अब है कि अगर दो से ज्यादा है तो क्या करें, तो दो से ज्यादा के लिए बड़ी सिंपल सी बात, एक लॉ आया जिसको बोलते हैं लॉ का ये प्रिंसिपल, एक टर्म है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये ग्रेविटेशन में भी है, तो 11th वाले बच्चे आप ये ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बड़ी साधारण सी बात कहता है, क्या कहता है ये, द
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपके पास मान लीजिए वाई है और ये एक्स है और ढेर सारे चार्जेज हैं, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है क्यू वन, एक चार्ज यहाँ है क्यू टू, एक चार्ज यहाँ है क्यू थ्री, ठीक है, यहाँ है कोई चार्ज क्यू फोर, ऐसे करके मान लेते हैं आपके पास ढेर सारे चार्जेज हैं, आपके पास ढेर सारे चार्जेज हैं और आप चाहते हैं कि वन पे कितना फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन क्यू वन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखिए, तो नेट फोर्स ऑन क्यू वन, नेट फोर्स ऑन क्यू वन इज गिवन बाय एफ वन इक्वल टू, दिस इज नेट फोर्स ऑन क्यू वन। अच्छा वन पे कौन फोर्स लगाएगा, टू भी लगाएगा, मान लेते हैं इस तरफ लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन वन बाई टू, वन पे थ्री भी लगाएगा, मान लीजिए किस तरफ लगा सकता है, अट्रैक्टिव है रिपल्सिव, अभी फिलहाल मान लेते हैं रिपल्सिव, तो दिस इज फोर्स वन थ्री फोर भी लगाएगा, ऐसे ऐसे करके सभी फोर्स लगाएंगे और एक डायरेक्शन में तो लगाएंगे नहीं, एक डायरेक्शन में तो लगाएंगे नहीं, तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या कहता है कि नेट फोर्स ऑन क्यू वन इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन बाई टू प्लस फोर्स ऑन वन बाई थ्री प्लस फोर्स ऑन वन बाई फोर एंड सो ऑन, ऐसे ऐसे करके तो सारे का वेक्टर सम, सारे का क्या करना है वेक्टर सम, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि इसको हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं बट अंग्रेजी कोई पूछेगा नहीं, क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स ऑन एनी इंडिविजुअल चार्ज इन अ, आप कह सकते हैं इन अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज गिवन बाय वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस अप्लाइड बाय अदर चार्जेस ऑन द सेम चार्ज, ऐसा हम कह सकते हैं, बट ऐसी कोई अंग्रेजी की मतलब नहीं है, साधारण सी बात आप समझ रहे हैं, इस चार्ज पे नेट फोर्स अगर आपको निकालना है तो बाकी सारे चार्जेस जो इस पर फोर्स लगाएंगे उन सारे फोर्सेस का क्या करना है वेक्टर सम कर देना है, वेक्टर सम केवल ऐड नहीं करना, वेक्टर है सारे वेक्टर, वेक्टर एडिशन होगा और उन सारे का सम क्या दे देगा नेट फोर्स ऑन q1। उसी तरह से अगर आपको सिमिलरली अगर आपको करना है नेट फोर्स ऑन q2, नेट फोर्स ऑन q2 तो घबराना नहीं है, f2 से डिनोट कर सकते हैं, तो क्या होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 4, 2 का 2 नहीं लेना है एंड सो ऑन, इस तरीके से कर सकते हैं, तो ऐसे ऐसे करके हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हम नेट फोर्स किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स बाकी सारे चार्जेस के कारण कितना फोर्स होगा वो निकाल सकते हैं, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ दो चीज देखना है, अगर इन फोर्सेस की डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग हुई, जैसे अभी यहाँ अगर फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग हुई, अब मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ पॉइंट, अगर फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है देन वी विल यूज वेक्टर अप्रोच, मान लीजिए ढेर सारे चार्जेस हैं लेकिन फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, या तो इधर है नहीं तो इधर, एक ही लाइन में है, देन वी विल यूज स्केलर अप्रोच, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्या मैंने बोला अगर फोर्सेस की डायरेक्शन बदल रही है इसके कारण किसी और डायरेक्शन में इसके कारण, तब हम वेक्टर अप्रोच यूज करेंगे, और अगर आपके पास फोर्सेस एक ही लाइन में है लगातार तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे स्केलर अप्रोच यूज करेंगे, तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपसे प्रॉब्लम पूछा जाएगा, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया, बार बार मैं कह रहा हूँ जब भी आप अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग मस्ट नेम इस तरह से एफ वन टू एफ वन थ्री ये सब कुछ ना कुछ नेम कीजिए, क्योंकि अगर आप चार्जेस की नेम नहीं करेंगे फोर्सेस को नेम नहीं करेंगे तो पक्का कोई ना कोई फोर्स छूट जाएगा और आपसे मिस्टेक्स होने के चांसेस है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, पक्का पक्का फोर्सेस को सही से नेम कीजिए, क्योंकि सही से नेम करेंगे चार्ज को नेम कीजिए फोर्स को नेम कीजिए इट विल हेल्प यू, उससे आपको एकदम सही से आंसर आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखिए एक सिंपल सा सवाल कर रहे हैं, बहुत ही साधारण सवाल से शुरुआत कर रहा हूँ, सभी को समझ में आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इस तरह का आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी एज लेंथ मान लीजिए ए है, एज लेंथ ए है, ध्यान दीजिए, अच्छा यहाँ एक चार्ज है मान लेते हैं क्यू, यहाँ भी चार्ज है क्यू और यहाँ भी चार्ज है क्यू, सबसे सिंपल साधारण से शुरुआत कर रहे हैं, मान लेते हैं ये ए है ये बी है ये सी है, ठीक है, तो पूछा है फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट सी, फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स एट ऑन क्यू एट सी, जो सी पर है उस पर नेट फोर्स बता देना है, एकदम ही आसान है, तुरंत हो जाएगा, जल्दी जल्दी
कुछ मुश्किल नहीं है, तुरंत आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो आप आई कैप जे कैप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा अगर दो तीन ही फोर्सेज हैं तब आप पैरेललोग्राम लॉ सीखिए, और बहुत सारे फोर्सेज हैं तब आप वेक्टर मतलब आई कैप जे कैप करके देखिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व करते करते समझ में आएगी, ठीक है ना। कुछ बातें हम प्रॉब्लम करके सीखते हैं, तो देखते हैं जल्दी से हम। तो हमें इसमें निकालना है, अच्छा देखिए इस चार्ज पे बी वाला चार्ज फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, सारे के नेचर सेम है, सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब बी इस पे फोर्स लगाएगा रिपल्सिव। दिस इज फोर्स ऑन सी बाय बी, मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत है। उसी तरह से ए इस पे फोर्स लगाएगा, इस तरफ रिपल्सिव ही लगाएगा, रिपल्सिव यानी ये इसको दूर भेजना चाहेगा, सो दिस इज फोर्स ऑन सी बाय ए। ठीक है, चलिए दोनों का जरा मैग्नीट्यूड देख लें, तो एफ सी बी की क्या वैल्यू आएगी, सी और बी इसके बीच का, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस। अच्छा एफ सी ए भी वही दूरी है, तो आप इसमें भी के क्यू वन क्यू टू अपॉन ए स्क्वायर, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी, दोनों की वैल्यू यानी एफ सी बी कहिए एफ सी ए कहिए दोनों की वैल्यू यही है। मान लीजिए इसको एफ, अपनी समझ के लिए आप इसको क्या मान सकते हैं एफ, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है और ये एफ है। अच्छा ठीक है, तो अब ये दो फोर्सेज हैं और दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल कितना होगा 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल एंगल है, ये 60 मतलब 60, तो इससे हमें रिजल्टेंट, तो पैरेललोग्राम लॉ से इसको एक्सटेंड कर देंगे और ये उसका रिजल्टेंट होगा। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज एफनेट जिसकी आपको तलाश है। बताइए एफनेट कितना होगा, एफनेट आप आसानी से कह सकते हैं रूट अंडर, आप देख सकते हैं इसका भी मैग्नीट्यूड एफ है, ये भी एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी इंटू कॉस कितना जाए, कॉस 60 डिग्री, दोनों के बीच का इंक्लूडिंग एंगल 60 डिग्री। मुझे उम्मीद है आप ये सॉल्व कर देंगे, कितना आता है रूट थ्री एफ, यानी कि रूट थ्री, और एफ कितना है, एफ तो यही है के क्यू स्क्वायर अपॉन स्क्वायर, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। सिंपल प्रॉब्लम है, शुरुआत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम ही आसान से शुरुआत है, आप तुरंत आंसर निकाल देंगे, इसमें इसका करेक्ट आंसर मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, रबर दूं, एकदम ही आसान है। चलिए इसी में छोटा सा अगर मैं चेंज कर रहा हूं, रबर रहा हूं, इसी में छोटा सा चेंज कर रहा हूं, देखिए जल्दी से, अगर मैं जल्दी रबर दे रहा हूं तो आप वीडियो को रोक लीजिए ताकि वो सॉल्यूशन आपको विजिबल, ठीक है ना, यहां पे आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आप रोक सकते हैं बाद में अगर देख रहे हैं तो। अच्छा चलिए ठीक है, अभी एंगल से मैंने छोटा सा चेंज किया कि इस चार्ज को माइनस क्यू कर दिया। रिपीट द सेम प्रॉब्लम, जल्दी से लिखिए, रिपीट द सेम प्रॉब्लम इफ चार्ज एट ए इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू, चार्ज एट ए इज रिप्लेस्ड बाय माइनस क्यू, अगर माइनस क्यू से रिप्लेस कर दे रहे हैं अब क्या करना होगा जल्दी से, अरे जल्दी, एकदम ही आसान है, जल्दी जल्दी ट्राई कर देना है, कुछ ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, एकदम सिंपल से शुरुआत करी है ताकि आपके मन में कहीं कोई डाउट न रहे। चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए, क्या करिएगा, अब देखिए यहाँ पे आप कैसे निकालिएगा, अगर माइनस क्यू है तो अभी देखिए ये इस पे फोर्स अभी इस डायरेक्शन में लगाएगा, दिस इज फोर्स ऑन सी बाय बी, ठीक है। अच्छा ए वाला अब इस पे फोर्स रिपल्सिव नहीं अट्रैक्टिव लगाएगा, ए क्या चाहेगा इसको अपनी ओर खींचना, क्योंकि दोनों का नेचर इस पे प्लस क्यू है इस पे माइनस क्यू है, तो अब ये इस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ दिस इज फोर्स ऑन सी बाय ए, यही समझना है। अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड एफ सी बी तो अभी भी वही, एफ सी बी अभी भी वही के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एफ सी ए अभी भी वही, केवल डायरेक्शन पहले तो इधर था वो इधर हो गया, यानी अभी भी इसका वही, तो एफ सी ए की भी यही वैल्यू होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अलग अलग, मतलब कि अगर ये इसको आप कह सकते हैं एफ, मतलब अगर ये एफ है तो ये भी एफ है, ये दोनों फोर्स एफ है, इसका रिजल्टेंट ऐसे होगा, दिस इज द रिजल्टेंट, ये एफ नेट होगा। तो बताइए इनके बीच का ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, तो एफ नेट का फॉर्मूला लगा देंगे जल्दी जल्दी, एकदम ही आसान, एफ नेट इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ इनटू एफ इनटू कॉस, कितना एंगल इस बार 120 डिग्री, कितना एंगल 120 डिग्री, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर, cos 120 होता है -1/2, cos 120 कितना होता है -1/2, और ये स्टेप में मैंने सॉल्व कर दिया, हो जाएगा f, आंसर क्या आ जाएगा f, और f की तो वैल्यू है कितना k
k q square upon k square cos 120 minus 1 by 2 ध्यान रखना है थोड़ा सा चेंज किया कितना चेंज किया थोड़ा हल्का चेंज किया और यहां से हमारे पास ये रिजल्ट हो गया मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सिंपल से बात कर रहे हैं धीरे-धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे देखिए ये हमारे पास एक स्क्वायर है एज लेंथ ए है ठीक है और हर जगह चार्ज क्यू है फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज due to other charges find net force on any one charge due to other charges ke karan kisi ek pe net force bata dijiye kisi ek pe theek hai ab dekhiye maan lete hain isme nikal lete hain kisi ek pe nikal lete hain ab isme nikalna hai baaki teen kitna force is pe laga rahe hain yahi nikalna hai to isko charge ko maan lete hain isko 1 is charge ko maante hain 1 isko maante hain 2 इसको मानते हैं 3 इसको मानते हैं कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है अच्छा 2 इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ लगाएगा दिस इज फोर्स ऑन 1/2 फोर्स ऑन 1/2 अच्छा 3 इस पर फोर्स लगाएगा 3 की लाइन वाइनिंग ये है लाइन वाइनिंग क्या होने लगता है एग्जैक्टली एंगल कितना 45 बिकॉज़ इट इज ए स्क्वायर किस तरफ लगाएगा इस तरफ लगाएगा दिस इज फोर्स ऑन 1/3 अच्छा ये इस पर फोर्स इस तरफ लगाएगा दिस इज 1/4 इसको थोड़ा छोटा ही दिखाई क्यों छोटा मैं दिखा रहा हूं क्योंकि दूरी ज्यादा तो फोर्स कम लगाएगा समझने के लिए थोड़ा विजुअलाइजेशन में क्लियर होगा तो नेट फोर्स इन तीनों का रिजल्ट है अच्छा जल्दी से इनकी वैल्यू निकाल लीजिए तो f 12 कितना आएगा 1 और 2 के बीच में फोर्स तो k q1 q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर अच्छा देखिए ना f 12 जितना आएगा f 14 भी तो उतना ही आएगा तो f 14 की भी वही वैल्यू इन दोनों को आप समझने के लिए लिख दीजिए अच्छा f 13 की क्या वैल्यू होगी सो f 13 इक्वल टू ध्यान से देखिए f 13 आपके पास कितना आएगा f 13 की वैल्यू होगी k q 1 q 3 यानी कि q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी ये दूरी कितनी होगी √2a ये दूरी कितनी होगी दिस इज a दिस इज a दिस इज √2a तो √2a का स्क्वायर √2a का स्क्वायर सो दिस इज k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा ठीक है मतलब आप देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा अगर आप सॉल्व कीजिए देखिए k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर अगर ये सेट इस बार पा सकते हैं दिस इज f / 2 बस 2 ही तो है f / 2 है समझने के लिए इस तरीके से हम कर सकते हैं जरूर नहीं कि ये करें ही आप इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिना किए भी आप निकाल सकते हैं इससे होगा कि हर बार हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हम बचेंगे ठीक है और कोई बेनिफिट नहीं मतलब यहाँ f है यहाँ भी f है और यहाँ क्या है f / 2 क्या ये बात क्लियर है अच्छा देखिए पहले हम इन दो को ऐड करते हैं तो देखिए इधर भी f और इधर भी f बताइए इधर भी f इधर भी तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा एकदम बीचों बीच होगा कितना होगा f और f का रिजल्टेंट √2f वेक्टर सभी लोग जानते हैं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा √2f कितने एंगल पे आएगा एकदम 45 डिग्री पे ही आएगा बीचों बीच ही आएगा और ये भी एंगल तो 45 ही है ये भी एंगल 45 ही है इसका मतलब है कि इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो एकदम इसी के लॉन्ग आएगा ध्यान से समझना है इसका और इसका जो रिजल्टेंट एकदम इसी के लॉन्ग आएगा तो मतलब ये √2f और f 13 दोनों ऐड हो जाएंगे ये नेट फोर्स दे देगा ध्यान रखिए अगर ये इसके अलावा नहीं आता ये वाला तो फिर सिंपली ऐड नहीं होता एक बार और लगाना होता बट फिलहाल तो है तो आप आसानी से कर सकते हैं f नेट कितना आ जाएगा f नेट आ जाएगा √2f जो कि इस डायरेक्शन में है √2f और प्लस एक और फोर्स है कौन f 13 एक और फोर्स है f 13 सो √2f प्लस f 13 कितने के बराबर है f / 2 तो आप देख सकते हैं आप f को कॉमन ले लीजिए दिस इज √2 प्लस 1/2 और f की तो वैल्यू कितनी है k q स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर और ये आ जाएगा √2 प्लस 1/2 डायरेक्शन भी आप दिखा पा रहे हैं नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी नेट फोर्स इधर ही होगा ये आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी थोड़ा सा सोचना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है हल्का सा अप्रोच और वहां से आपके पास आंसर आ जाएगा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कहीं कोई दिक्कत
मुझे उम्मीद है आपको पूरा पूरा समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। तो छोटा सा इस सवाल में चेंज कर रहे हैं ताकि आप वेरिएशन को समझें, छोटा छोटा चेंज कर रहे हैं ताकि आप वेरिएशन को समझें। इज इट ओके, रब कर दूं, इज इट ओके, चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं। छोटा सा चेंज क्या किया है, अब देखिए छोटा सा मैंने चेंज किया है कि यहाँ क्यों था, यहाँ भी क्यों था, यहाँ भी क्यों था, यहाँ बस मैंने टू क्यों कर दिया। नाउ सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, बस यहाँ टू क्यों कर दिया है। अब देखिए कैसे आंसर निकलेगा और क्या चेंज आएगा, अब थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा बेहतर अप्रोच, हल्का सा ध्यान रखना है कि अब कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब आप बोलिएगा कि अभी भी सर वही है, टू के कारण वन पे फोर्स इस तरफ, दिस इज एफ वन टू, इसके कारण इस तरफ, दिस इज एफ वन थ्री एंड दिस इज एफ वन फोर, ठीक है। F12 कितना होगा, K Q1 Q2 upon A square, यानी कि 2K Q upon A square। अच्छा F13 कितना होगा, अभी भी निकाला ही था, K Q square upon 2A square, और F14 कितना, अभी भी निकाला ही था, तो K Q square upon A square। अब देखिए सवाल में क्या चेंज आया, अब ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब ये बड़ा है इससे, डबल है, यू कैन सी डबल है, इसका मतलब अब इसका और इसका जो नेट है एकदम बीचों बीच नहीं जाएगा, अब एकदम बीचों बीच नहीं जाएगा, यही समझना है। तो फिर अब इसका और इसका अगर आप रिजल्टेंट निकालिएगा तो कहीं और आ जाएगा, ठीक है ना, इसका और इसका जब आप रिजल्टेंट निकालिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, पता नहीं, यहाँ किसी एंगल थीटा पे चला जाएगा, किसी और एंगल पे चला, और फिर इसके बाद एक और आपके पास एफ वन थ्री, और फिर इसका और इसको ऐड करना बहुत मुश्किल, समझ पा रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में चला जाएगा, फिर इसको और इसमें फिर से पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा, क्वाइट टीडियस वर्क है। इस बार हम पैरेललोग्राम मेथड को छोड़ देंगे, इस बार हम पैरेललोग्राम मेथड को छोड़ देंगे, बस इसीलिए क्वेश्चन कराया, इस बार गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तीसरा को बीचों बीच फिर से एकदम ऐड कर देना है, गलत आएगा, अरे बार बार कह रहा हूँ गलत आएगा। और दूसरी बात क्या सिखा है कि इस बार पैरेललोग्राम अच्छा मेथड नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आप देखिए इसका इसका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा और फिर इसमें इसमें आपको ऐड करना होगा, फिर से पैरेललोग्राम, कितनी बार पैरेललोग्राम, हम थक जाएंगे, ठीक है, आज आंसर नहीं आएगा, कल आएगा, पता चला कि गलत है, पता चला कि क्योंकि इसके बीच में कितना थीटा है, मैं कह रहा हूँ इसका और इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ, ठीक है, और फिर इसको इसको इसका इसका ये थीटा कितना, बहुत ही मेहनत, इस बार हम ये मेथड छोड़ देंगे और हम सिंपल क्या करेंगे, एक्स वाई में रिजॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम रिजॉल्व करके करेंगे, कैसे करेंगे, रिजॉल्व करके, हमें पता है कि एंगल 45 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट बताना है, तो हम कहेंगे कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, जनरल चीज है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्स में जो जो फोर्सेज है उसको देखेंगे और वाई में जो जो फोर्सेज है उसके कॉम्पोनेंट ले लेंगे, ठीक है, कॉम्पोनेंट अप्रोच यूज करेंगे। तो बताइए एफ नेट आपके पास क्या जाएगा, जल्दी से देखिए एफ नेट जब आप निकालिएगा, डेफिनेट आपके पास देखिए एक्स में क्या क्या फोर्सेज है, इधर कोई फोर्स है क्या, इधर तो कुछ नहीं है, इधर है, तो इधर है आपके पास, यानी माइनस एफ वन टू, माइनस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव एक्स उस तरफ है, माइनस एफ वन टू, ठीक है, ये एक्स में है, और कुछ एक्स में है, एफ वन थ्री का इधर, तो माइनस एफ वन थ्री कॉस 45, माइनस एफ वन थ्री कॉस 45, ये भी इधर ही है, और कुछ एक्स में है, नहीं, तो ये पूरा आपके पास एक्स में, दिस इज आई कैप, प्लस J कैप में क्या क्या है, तो पूरा पूरा F14 है, पूरा पूरा F14 है, और F13 का इधर की ओर कंपोनेंट कितना आ जाएगा, प्लस F13 sin 45, प्लस क्यों, प्लस क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट उधर, प्लस में, सो दिस इज आवर J कैप, दिस इज क्वाइट सिंपल, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। नाउ पुट द वैल्यूज, माइनस तो बाहर ही आ जाएगा, F12, F12 कितना है, 2KQ upon A square plus F13, F13 कितना है, KQ square upon 2A square cos 45, that is 1 by root 2 I cap plus F14, that is KQ square upon A square plus F13, यानी KQ square upon 2A square 1 by root 2 और J cap, कुछ इस तरह से सॉल्व करना होगा, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, KQ square by A square, KQ square upon A square तो सब में कॉमन ही है, पूरे में कॉमन आ जाएगा,
यहाँ देखिए 2 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 क्या जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 आई कैप विद अ माइनस इस पूरे में एक माइनस है ये वाला माइनस अच्छा प्लस जे कैप पे क्या आ जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 जे कैप ऐसे आंसर निकलेगा थोड़ा सा टीडीएस था बट यू हैव टू अंडरस्टूड क्या इसमें क्या कर इसमें क्या हमें अलग है पिछले प्रॉब्लम से इसको समझना बहुत जरूरी है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गया होगा ठीक है क्यों इसमें हमने आई कैप जे कैप यूज किया इज इट क्लियर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखिए सॉल्यूशन तो मैं तुरंत निकाल दूंगा लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसे ही किया क्यों ऐसे करना बेहतर था ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से एक छोटा सा सवाल जल्दी से छोटा सा सवाल है देखिए एकदम ही आसान है तुरंत देख लीजिए कुछ नहीं है एकदम ही आसान देखिए क्या है आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है फिर से मैंने इक्विलेटरल ले लिया है ए ए ए यहाँ एक चार्ज है यहाँ एक चार्ज है यहाँ एक चार्ज ठीक है यहाँ एक चार्ज है क्यू यहाँ एक चार्ज है क्यू और यहाँ एक चार्ज है माइनस टू ठीक है a charge plus q is placed at centroid you can see a charge plus q is placed at centroid find the net force acting on the charge at centroid find the net force acting on the charge at center bahut hi simple hai find the net force acting on the charge at center आंसर जीरो नहीं है जीरो कब होता जब ये प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू ये भी प्लस क्यू होता तब आंसर क्या होता जीरो अभी आंसर जीरो नहीं है निकलेगा थोड़ा मेहनत करके निकलेगा मेहनत करने के लिए तो यहाँ बैठे हुए हैं आसान होता तो बैठे थोड़ी रहते तो मेहनत करने के लिए ये है इस बार आंसर जीरो नहीं है इसलिए इसको निकालना पड़ेगा मेहनत से चलिए कोशिश कीजिए ठीक है गुड जो लोग आंसर निकाल रहे हैं वेरी गुड कोशिश करते रहिए इसका आंसर निकालिए जल्दी से कैसे करिएगा तो देखिए क्वाइट सिंपल है इसमें भी सेम उसी तरह का अप्रोच क्या है ठीक है नेमिंग वगैरह अब आप कर लेंगे कई बार हमने कर दिया नेमिंग तो आप नेमिंग के लिए परेशान मत होइए अच्छा देखिए इस पे हमें फोर्स निकालना है कि ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स मान लेते हैं इसकी नेमिंग कर देते हैं इसको मान लेते हैं 1 इसको 2 और इसको 3 तो 1 के कारण जो इस पे फोर्स होगा वो इस तरफ होगा दिस इज एफ1 थ्री तो नेगेटिव है ना नेगेटिव है तो इसको अपनी ओर खींचेगा तो इस तरह का फोर्स होगा दिस इज एफ थ्री आप देख सकते हैं रिजल्टेंट जीरो नहीं है रिजल्टेंट जीरो नहीं है ये तो क्लियर है ठीक है तो मतलब इन्हीं तीनों का रिजल्टेंट लेना है तो फिर से हम वही करें कि यहाँ पे सबसे अच्छा मेथड कि ये हमारा x-axis और इसके परपेंडिकुलर ये वाला y-axis तो क्यों ना कंपोनेंट ले लें सबसे पहले इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो f1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 कौन था जो इसने इसके लगाया था सो kqq अपॉन ये दूरी कितनी होगी बताइए ये दूरी कितनी होगी अगर आपको पता है ये दूरी कैसे निकालिएगा अरे ये दूरी निकालना आता है ये वाली दूरी नहीं आता क्वाइट सिंपल है आपको ये दूरी चाहिए ये वाली एक्स है ये एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि पूरा 60 डिग्री है और ये कितना होगा a by 2 है ना अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए cos 30 ऐसे भी a by 2 equal to x cos 30 ऐसा कह सकते हैं cos 30 equal to a by 2 upon x वही बात है देखिए a by 2 equal to x into cos 30 cos 30 कितना है 3 by 2 2 से 2 कट गया so x equal to a by 2 ध्यान रखिए आगे से मुझे तो याद ही था बट आप इसको आगे से ध्यान रखिए बहुत ही जरूरी है बार बार यूज होता है तो ये दूरी है a by root 3 और इससे आगे ये जो दूरी है वो कितनी है
a upon 2 root 3 ये थोड़ा सा ध्यान रखना है चलिए यहां कोशिश कीजिए से f1 equal to k q q upon ये दूरी अभी कितनी हो गई a by root 3 a by root 3 का होल स्क्वायर ये वाली दूरी ये दूरी कितनी हो गई a by root 3 so this will give you 3 k q q upon a square और मुझे उम्मीद है कि f1 जितना हुआ था f2 भी उतना ही होगा ये भी दूरी वही है so this is equal to f magnitude अच्छा देखिए आप बार बार केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं इसमें कोई साइन वगैरह पुट करने की जरूरत ऐसे भी नहीं है ठीक है ना याद कीजिए पिछली क्लास में मैग्नीट्यूड लिखना है तो कोई साइन नहीं वेक्टर में साइन हम पुट करते हैं अभी तो कोई साइन पुट करेंगे चलिए ठीक है अच्छा f1 हो गया f2 हो गया व्हाट अबाउट f3 f3 की भी दूरी वही है लेकिन इस बार चार्ज कितना है k -2q तो माइनस तो लिखना ही नहीं है 2q * q माइनस साइन का हमने यूज कर लिया है किसमें डायरेक्शन में अपॉन फिर से दूरी वही a by root 3 का स्क्वायर a by root 3 का स्क्वायर तो बताइए सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 6 k q q अपॉन a स्क्वायर दिस इज f3 दिस इज f3 ये f3 की वैल्यू आ गई चलिए ठीक है f1 f2 f3 तीनों निकल के आ गए अब आप देखिए इसका कंपोनेंट लेना है अच्छा देखिए ये एंगल 30 है ध्यान दीजिए ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा ठीक है ये भी एंगल 30 होगा आसानी से समझ पा रहे हैं आप ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल 30 होगा कैसे पता चला करेस्पोंडिंग एंगल तो मतलब ये 30 हो गया ये भी 30 हो गया कहीं कोई दिक्कत नहीं अब देख सकते हैं f1 का इधर की ओर f1 cos 30 और f2 का इधर की ओर f2 cos 30 दोनों कैंसिल हो जाएंगे देखिए ना f1 f2 मैग्नीट्यूड ही बराबर है तो f1 का इधर की ओर कंपोनेंट और f2 का इधर की ओर कंपोनेंट दोनों बराबर होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे तो नेट ऊपर की ओर बचेगा तो बताइए खुद आप देख सकते हैं f नेट क्या होगा f नेट क्या होगा f1 का इधर की ओर कंपोनेंट f1 sin 30 f1 sin 30 ठीक है थीटा के साथ वाला cos और दूसरा sin तो f1 sin 30 और f2 का इधर की ओर प्लस f2 sin 30 f2 sin 30 प्लस इसके साथ प्लस तीसरा क्या होगा f3 बस दिस इज द आंसर और ये पूरा पूरा किसमें आएगा j कैप पूरा पूरा किसमें आएगा ये पूरा पूरा आंसर किसमें होगा j कैप ये समझने वाली बात अच्छा देखिए f1 और f2 दोनों बराबर हैं तो इसको डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 2f1 sin 30 sin 30 को 1/2 प्लस f3 और ये पूरा पूरा किसमें j कैप में x वाला तो कैंसिल हो गया बताइए कितना आ जाएगा सो so, f1 plus f3 f1 plus f3 ये आपके पास f1 कितना है f1 है 3k q q upon a square plus f3 कितना है 6k q q upon a square यही आपको ध्यान में रखना है and this whole जी क्या यानी आंसर आ गया 9k q q upon a square this is quite simple problem but इसने आपको काफी कुछ समझाया कि कैसे अप्लाई करना है कैसे अप्रोच करना है थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें भी यू करेक्ट आंसर ठीक है Should I rub it? हो गया कहीं कोई दिक्कत आ रही है देख लीजिए अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है टेल मी कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आ रही है सिंपल सवाल है बट ये आपको आगे ले जाएगा चलिए तो वेक्टर अप्रोच मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी अच्छा एक छोटा सा सवाल और कर रहे हैं जिससे आपको पता चले मान लीजिए कि आपके पास एक्स एक्सिस है क्या है एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पे यहां ओरिजिन पे एक चार्ज है ओरिजिन पे एक चार्ज है q नॉट चार्ज है ओरिजिन पे x इक्वल टू 0 पे ठीक है x इक्वल टू 1 पे एक चार्ज है q x इक्वल टू 1 पे एक चार्ज है q x इक्वल टू 2 पे है एक चार्ज q x इक्वल टू 4 पे है चार्ज फिर से q x इक्वल टू 8 पे है फिर से चार्ज q एंड दिस गोज अप टू इनफिनिटी दिस गोज अप टू इनफिनिटी फाइंड द नेट फोर्स फाइंड f नेट ऑन q नॉट फाइंड f नेट ऑन q नॉट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस ये क्रम अप टू इनफिनिटी तक जा रहा है फाइंड नेट फोर्स ऑन q नॉट ड्यू टू ऑल द चार्जेस
बाकी चार्जेस के कारण कितना फोर्स लग रहा है आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, थोड़ा सा कोशिश करना है आंसर। एरियन आई थिंक क्या डाउट हुआ, कोई दिक्कत है टेल मी। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड नेट फोर्स ऑन दिस क्यू नॉट। क्यू नॉट पे कितना फोर्स लगेगा ये निकालने की जरूरत है। नाउ टेल मी, ढेर सारे चार्जेस हैं, क्या इस बार वेक्टर अप्रोच की कोई जरूरत है? नहीं, ये भी इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लगा, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, स्केलर अप्रोच से ही काम चल जाएगा। तो आप मान लीजिए ये वन है, ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तीसरा चार्ज है, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे चार्जेस है। तो इस पर इधर की तरफ फोर्स एफ वन, इधर की तरफ फोर्स एफ टू, इधर की तरफ फोर्स एफ थ्री, ऐसे ऐसे करके सारे फोर्सेस लगेंगे। सो एफ नेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, एफ नेट निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा। चलिए, कोई डाउट नहीं है, गुड, वेरी गुड। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अरे अब जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आई डोंट थिंक कि आपको ये कोई दिक्कत करेगा। एफ नेट में क्या करना है, सारे इसके कारण जो इस पर फोर्स है, इसके कारण जो इस पर फोर्स है, ये इस दोनों पे, ये जो इस पर फोर्स लगाएगा कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन वन स्क्वायर। ये जो इस पे फोर्स लगाएगा कितना होगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन इसके और इसके बीच की दूरी कितनी दूरी होगी, ये दूरी वन है, ये दूरी टू होगी, x इक्वल टू टू से जीरो तक, टू स्क्वायर। इसके इसके बीच की दूरी क्या होगी, के क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर स्क्वायर एंड के क्यू क्यू नॉट अपॉन एट स्क्वायर एंड दिस गोज अप टू इंफिनिटी। ऐसा कुछ करना होगा। You can see k q q naught, we can take common, so this is 1 plus 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64 and so on up to infinity. Now you can see this is a GP. Kya ban raha hai? GP. 1 hai, 1 mein 1 by 4 se multiply kiya, phir isme 1 by 4 se multiply kiya, phir isme 1 by 4 se multiply kiya. To janiye infinite GP. जिनको नई जानकारी है बताते रहा हूँ, इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, इस तरह से अब टू इंफिनिटी तक अगर ये जा रहा है। आर क्या है, जो टर्म बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ए क्या है, पहला टर्म, तो देखिए पहला टर्म क्या है वन, और बार बार जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वन में कितने से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया वन में कितने से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया आर वन में वन बाई फोर से। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर है वन बाई फोर, फिर इसमें वन बाई फोर, फिर इसमें वन बाई फोर, इसका जो सम होता है ये निकल जाता है ए अपॉन वन माइनस आर, ये याद रखना। एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर, ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल है, आसानी से ध्यान आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलिए, तो यहाँ समझिए यहाँ कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यू है वन, पहला टर्म है वन, ए अपॉन वन, वन तो रहेगा, माइनस आर, आर कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो आर कितना है, वन बाई, सो दिस विल गिव यू आंसर हाउ मच यू आर गेटिंग, सो दिस इज 3/4, सो फाइनली इट विल बी 4k q q naught upon 3, दिस वेरी सिंपल वन, बट यू हैव टू रिमेंबर द अप्रोच, यू हैव टू रिमेंबर द अप्रोच, k q q naught upon 3, वेरी सिंपल वन। गुड कल्पना, वेरी गुड आंसर निकाल लिया था आई थिंक। इशिका बाबू आंसर गलत आ रहा है, एक बार प्लीज चेक कीजिए। ठीक है, अब कोशिश कीजिए मैच करने की, आई थिंक ये करेक्ट होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा इसी में मैं छोटा सा चेंज करूं क्वेश्चन में, जल्दी से ध्यान दीजिए, आई थिंक ये तो क्लियर है, इसी में छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। पहले तो प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू, फिर माइनस क्यू, एंड दिस गोज अप टू इनफिनिटी। अब क्या होगा, बहुत ही आसान है, अब क्या होगा जल्दी से बताइए। छोटा सा चेंज कर दिया है, अब अल्टरनेट है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, क्योंकि फिजिक्स इज अबाउट वेरिएशन, एक करा दूं और दूसरा आपसे ना हो तो फिर फायदा क्या सीखने का, जल्दी कर दीजिए, एकदम ही आसान, कुछ करना ही नहीं है। तो क्या होगा, छोटा सा चेंज होगा, देखिए प्लस क्यू के कारण, जल्दी से अगर आप तैयार हैं, ये हो चुका है, तो दूसरे क्वेश्चन को लिख लीजिए और सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। क्या है यहाँ, प्लस क्यूब के कारण इस पे फोर्स एफ वन इस तरफ होगा, लेकिन एफ टू इस तरफ नहीं होगा, एफ टू किधर होगा, प्लस क्यूब के कारण एफ वन इस तरफ,
क्योंकि ये इस पे फोर्स इस तरफ लगाएगा बट माइनस क्यू के कारण इस तरफ होगा सो एफ टू इस तरफ होगा फिर से एफ थ्री इस तरफ होगा मतलब कहने का मतलब क्या रहा कि अगर इधर की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेते हैं तो एफ वन एफ थ्री तो पॉजिटिव होंगे लेकिन एफ टू क्या होगा नेगेटिव होगा कोई भी डायरेक्शन आप कुछ बच्चे करते सर इधर तो नेगेटिव लेना है अगर किसी एक को पॉजिटिव ले ले उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है तो मान लेते इधर पॉजिटिव तो एफ टू को नेगेटिव लेना होगा फिर एफ फोर को क्या लेना होगा नेगेटिव लेना होगा एफ फोर को क्या लेना होगा नेगेटिव लेना होगा देखिए यही रहेगा लाइन तो सेम ही है अभी भी आपको वेक्टर अप्रोच लगाने की कोई जरूरत नहीं है अभी भी आपको वेक्टर अप्रोच लगाने की कोई जरूरत नहीं है सिंपल आंसर आ जाएगा ये पहला प्लस होगा दूसरा माइनस होगा एफ वन इस तरफ एफ टू इस तरफ तीसरा प्लस होगा फिर से चौथा माइनस और ये क्रम चलता रहेगा मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है तो यहाँ छोटा सा चेंज होगा यहाँ भी माइनस होगा फिर यहाँ प्लस होगा फिर यहाँ माइनस होगा और ये क्रम चलता रहेगा अभी भी ये जीपी ही है अभी भी ध्यान से देखिए जीपी ही है ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी भी इसमें जीपी ही हो रहा है बट छोटा सा चेंज है अभी इस बार पहला टर्म वन है मतलब ए की वैल्यू वन है और आर की वैल्यू माइनस वन बाई फोर है आर की वैल्यू क्या है माइनस वन बाई फोर देखिए वन में कितने से मल्टीप्लाई किया तो आ गया माइनस वन बाई फोर अच्छा फिर माइनस वन बाई फोर में कितने से मल्टीप्लाई किया गया माइनस वन बाई फोर में फिर से माइनस वन बाई फोर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या जाएगा वन बाई सिक्सटीन तो यू कैन सी कॉमन रेशियो इज तो इसका सम क्या होगा के क्यू क्यू नॉट ए अपॉन वन माइनस आर आर की जगह क्या डालिएगा माइनस वन बाई फोर ये ध्यान रखना आर की जगह क्या डालिएगा माइनस वन बाई फोर जल्दी से सॉल्व कर दीजिए हाउ मच यू आर गेटिंग कितना आ जाएगा ये सो दिस इज फोर के क्यू क्यू नॉट अपॉन फाइव अब देखिए पहले जितना फोर्स आया था उससे अब कम आ रहा है सही बात है पहले देखिए पहले आया था फोर बाई थ्री पिछले केस में और अब कितना आ रहा है फोर बाई फाइव देखिए ना कम हो गया है डिक्रीज हो गया है फोर बाई थ्री से फोर बाई फाइव कम हो गया है डिक्रीज हो गया है इसका मतलब क्या है क्योंकि देखिए कुछ फोर्सेज खींच भी रही है कुछ फोर्सेज ऐसे कर रही है कुछ खींच रही है इसलिए कम तो होना ही था आप आसानी से कर सकते हैं और आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी वेरी गुड जो लोग आंसर निकाल पा रहे हैं ठीक है कोशिश करते रहिए एकदम ही सिंपल सवाल है कहीं कोई मुश्किल नहीं घबराना है फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट मुझे तो सबसे आसान लगता है ठीक है ना सबसे आसान इसमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं है बस आप चीजों को ध्यान में रखिए थोड़ा अप्रोच करते रहिए अपने आप सॉल्व हो जाएगा ठीक है शुड आई रिपीट हो गया तो ये रही बात हमारे पास कि हमें क्या कहते हैं कैसे वेक्टर अप्रोच को यूज करना है और प्रॉब्लम्स में उसको यूटिलाइज करना है ठीक है कोई कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हम क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि एक छोटा सा सवाल आपके सामने मैं पूछ रहा हूँ कि देखिए कुछ सवाल सिमेट्री सवाल से पहले मैं कुछ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बड़ा सिंपल है इस चीज को आप ध्यान में ही रखें जैसे कि आपको दे दिया कि ये है यहाँ पे क्यू है यहाँ भी क्यू है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और पूछेगा कि सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया इस पे नेट फोर्स तो दिमाग ही नहीं लगाना है इस पे नेट फोर्स क्या होगा जीरो इस पे नेट फोर्स क्या होगा जीरो उसी तरह से मान लीजिए एक एक स्क्वायर है बोलेगा कि स्क्वायर है हर जगह चार्ज रख दिया और बोला कि यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे कोई चार्ज रखे यहाँ एफनेट कितना होगा जीरो दिमाग ही नहीं लगाना यहाँ एफनेट कितना होगा जीरो अगर सारे आइडेंटिकल है तो कुछ बदल देगा तो बदल जाएगा पेंटागन है कुछ भी है सब पे ट्रू है रेगुलर होना चाहिए ठीक है तो यहाँ अगर कोई चार्ज रखा इस पे एफ नेट जीरो ध्यान में रखना है हेक्सागन है मतलब सभी में जीरो ही होगा जो क्वाइट सिंपल है सभी में जीरो ही होगा कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है सभी में नेट फोर्स क्या होगा आपके पास जीरो यहाँ भी अगर आपसे पूछे तो यहाँ भी आप क्या बोलेंगे एफ नेट इक्वल टू जीरो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी सारे में आंसर जीरो होगा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी अब इसी पे सवाल आपसे पूछेगा कि अगर ये है तब तो जीरो है ठीक है लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दे तब फिर आंसर कैसे निकले जैसे कि छोटा सा सवाल
अगर आपने लिख लिया मेंशन कर लिया तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ. सवाल क्या है देखिए, सवाल है कि यही पेंटागन है. देखिए पेंटागन में अगर पांचों पे रख देता तब तो नेट फोर्स सेंटर पे क्या होता, जीरो. उसने बोला कि चार पे ही रखा, पांचों पे नहीं रखा. ठीक है, और ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ओके. क्वेश्चन सवाल देखिए, क्या प्रॉब्लम है कि फोर पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर पेंटागन एज शोन. At the vertices of regular pentagon as shown, ठीक है? और इनके बीच की ये दूरी सब में a है, ये दूरी a में रखा है, मतलब सेंटर से ये दूरी कितना है? a है. Find the net force on the charge at center. Find the net force on the charge at center. जो सेंटर पे चार्ज है, उस पे कितना फोर्स है? ये बताने की कोशिश करनी है. थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एकदम आसान. Find the net force on the charge at center. देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिए. Find net force on the charge at center. Center पे जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स होगा ये निकालने की कोशिश करना है. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा. देखिए इसका तरीका क्या है, इसका अप्रोच बड़ा ही ट्रिकी अप्रोच है, ट्रिकी अप्रोच है. थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए अप्रोच क्या है कि ठीक है चार पे ही रखा है, पांचवा तो खाली है. अच्छा अगर पांचवे पे भी मैं चार्ज रख देता, समझिए थोड़ा, ये हमने अपनी मर्जी से रखा, ध्यान देंगे. अगर पांचवे पे भी हमने चार्ज रख दिया तब नेट फोर्स सेंटर पे क्या होता, जीरो होता कि नहीं. इसका मतलब है आप आसानी से कह सकते हैं कि एफ ड्यू टू सिंगल चार्ज प्लस एफ ड्यू टू ऑल फोर क्यू चार्ज इसके कारण और बाकी सब के कारण मिलाकर नेट फोर्स कितना होगा, जीरो. क्या ये क्लियर है? ध्यान से देखिए, इसके कारण जो यहाँ फोर्स होगा और इन सब के कारण जो नेट फोर्स होगा यहाँ, सारे का सम क्या होगा, जीरो. यही तो हम कहना चाह रहे हैं, टोटल फोर्स अगर यहाँ भी चार्ज रख दे तो क्या आएगा, जीरो. हमें निकालना है क्या, एफ ड्यू टू ऑल फोर क्यू, किसको उधर ले जाइए. सो एफ ड्यू टू ऑल फोर क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ड्यू टू क्यू. इसका मतलब है एक के कारण यहाँ जितना होगा, इस एक के कारण यहाँ जितना होगा, बाकी चारों के कारण भी उतना ही होगा. देखिए बराबर है, बट एक चीज का फर्क है, डायरेक्शन. मतलब इसके कारण अगर फोर्स इस डायरेक्शन में, देख सकते हैं प्लस क्यू के कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो बाकी सबके कारण किसके ऊपर होगा, तभी तो नेट जीरो होगा. तो आप कह सकते हैं देयरफोर एफ ड्यू टू फोर चार्जेस के कारण कितना होगा, एक के बराबर. एक का मैग्नीट्यूड कितना, इसके कारण यहाँ फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन दूरी कितनी, ए स्क्वायर. ये हो गया, मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है. डायरेक्शन माइनस तब लिखूंगा जब डायरेक्शन भी लिखूंगा. तो मैं डायरेक्शन लिखना चाह रहा हूँ, तो डायरेक्शन मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूँ. तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए इसके कारण यहाँ फोर्स इस तरफ है, तो बाकी चारों के कारण ऊपर होगा. तो आप लिख सकते हैं अलोंग ओ टू ए, ओ से ए की तरफ, along O to A. ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस तरीके से हम आसानी से प्लान कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा. वेरी गुड, समझ में आ रहा है, वेरी गुड. नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आस्क, अगर कोई डाउट हो रही है तो. मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है. पढ़ाते हुए मुझे काफी साल हो गए हैं, तो ये कॉमन चीजें हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको दिक्कत आएगी. चलिए सुडाइड अपडेट हो गया. ठीक है, ये हमें समझ में आ गया, आसानी से हम इसे रिलेट भी कर पा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ये काम तो करना ही है, वेक्टर अप्रोच है, कोई अप्रोच है, ये सब तो हमें करना ही है. बट हम इसमें आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमें ज्यादा डिस्कशन करना है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. कूलम्स लॉ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम. इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, सिंपल इक्विलिब्रियम ही तो है. तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो.
फोर्स इक्वल टू जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, हमने मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ में पढ़ा है, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका नेट फोर्स क्या है, जीरो। हम यहाँ यही करने वाले हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन्वॉल्व है, तो उस केस में बोलेंगे कि अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो। अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है। अब इक्विलिब्रियम खुद तीन टाइप के होते हैं, इक्विलिब्रियम खुद तीन टाइप के होते हैं, क्या क्या, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। डिटेल में मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी वाले लेक्चर में बताया हुआ है, तो यहाँ डिटेलिंग नहीं करेंगे। वर्क पावर एनर्जी वाले लेक्चर में अगर आप देखेंगे स्टेबल अनस्टेबल के बारे में डिटेल में बताया गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। जस्ट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि अगर आप जहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, मान लीजिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम में, तो यहाँ से अगर आप इसको हल्का भी आगे डिस्प्लेस करेंगे, हल्का भी आगे डिस्प्लेस करेंगे तो इसको पीछे की तरफ फोर्स लगेगी। अगर आप आगे डिस्प्लेस करेंगे तो पीछे फोर्स लगेगी। इसका मतलब है इफ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट हैज अ टेंडेंसी टू रिटर्न बैक। लिख लेंगे इसको, इफ बॉडी इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट हैज अ टेंडेंसी टू टर्न बैक या रिटर्न बैक, तब कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इसमें जैसे डायग्राम के थ्रू, डायग्राम बार बार मैं बता रहा हूँ, इस तरह का डायग्राम है, यहाँ से आप हल्का ऊपर ले जाए नीचे आएगा, हल्का ऊपर ले जाए नीचे आएगा। सो यू इज मिनिमम, यू इज मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। अच्छा, अनस्टेबल में क्या होगा, अनस्टेबल में क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो अनस्टेबल में कैसे क्या चीजें होंगी कि अगर आप इसको यहाँ से हल्का भी डिस्प्लेस कर दें तो जिधर डिस्प्लेस करें फोर्स इसको उधर ही लगता है और ये कभी वापस नहीं आता है, इट नेवर रिटर्न्स वंस इट इज डिस्प्लेस्ड। ये कौन सा पोजीशन है इसका, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो उधर ही चला जाता है, अगर इधर डिस्प्लेस कर दिया इधर ही चला जाएगा, इट नेवर रिटर्न्स, रिटर्न नहीं होता। तो नेवर रिटर्न्स मतलब आपके पास क्या है, डायग्राम के थ्रू समझिए, देखिए ऐसा मान लीजिए यहाँ पे आपने रखा हुआ था, इक्विलिब्रियम में था क्योंकि mg किससे बैलेंस हो रहा था, नॉर्मल से, अगर हल्का भी इधर कर देंगे गिर जाएगा, हल्का इधर करेंगे गिर जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, सो u इज मैक्सिमम। थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि डिटेलिंग ऑलरेडी कर दी गई है, हर जगह डिटेलिंग इसकी कर दी गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या वर्क पावर एनर्जी लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देखिए, वहां पे सब कुछ अवेलेबल है डिटेल में, इससे कई गुना ज्यादा ढेर सारे न्यूमेरिकल इस पे कराए गए हैं। आई थिंक लेक्चर 5 देखेंगे तो उसमें पॉसिबल है किसी में होगा, लेक्चर 5 या 6 इसी में होगा, 5 या 6 देखेंगे। अच्छा देखिए, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मान लेते हैं यहाँ इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इक्विलिब्रियम, तो यहाँ से अगर आप हल्का डिस्प्लेस करेंगे तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, यानी आप कहीं भी डिस्प्लेस कीजिए इट ऑलवेज रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, तब वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। जैसे देखिए बॉडी यहाँ है, इसको उठाकर यहाँ से यहाँ रख दीजिए, इसको उठाकर यहाँ रख दीजिए, हर जगह क्या है, इक्विलिब्रियम में, हर जगह क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गया किसका, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। तो आप देख सकते हैं इसमें मिनिमम, इसमें मैक्सिमम, इसमें नो चेंज इन यू, नो चेंज इन यू, यू में कोई चेंज नहीं होता है, यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये आपके पास बेसिक आइडिया है अबाउट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपको हमेशा ध्यान में रखना है क्योंकि क्वाइट ऑफन आपसे पूछेगा। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि हाँ ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, और फिर उससे आगे आपसे जुड़ा हुआ सवाल भी पूछेगा, और भी तरह के इसमें सवाल पूछेगा, अभी हम लोग देखेंगे ढेर सारे सवाल पूछेगा कि इसको कैसे करें, अगर इक्विलिब्रियम है तो ठीक है कौन सा इक्विलिब्रियम है ये बताइए, इससे जुड़ा हुआ भी सवाल आपसे पूछ लेगा कि किस तरह का इक्विलिब्रियम है, और उसके अलावा भी आपसे इसमें ऐसे चेंज की कंडीशन, ऑसिलेशन की कंडीशन, वो सब भी पूछेगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, सारी बातों का एप्लीकेशन है, वो सब आप लगातार जब करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, शुड आई रिपीट, ये तो इक्विलिब्रियम की कैटेगरी हो गई। अच्छा ठीक है, कैटेगरी पे भी हम आएंगे, स्टेबल अनस्टेबल की बात करेंगे और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। इसके अलावा आपको कभी कभी बोलेगा चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम और कभी कभी बोलेगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, इन दो बातों के फर्क को समझेंगे। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में बोलता है, मैं कह रहा हूँ इसके जो प्रॉब्लम्स होंगे
इलेक्ट्रिक्स के जो प्रॉब्लम्स होंगे उसको बेसिकली हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. क्या पहला बोलेगा कि चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या बोलेगा सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. फर्क को समझेंगे, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम है खूब, या खूब ऐसा बोलेगा, दोनों बातें लैंग्वेज मिलेंगे. अगर लिखा भी है चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम, सो नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन दैट चार्ज, ऑन दैट चार्ज इज जीरो, ऑन दैट चार्ज इज जीरो. केवल उस फोर्स पे आपको नेट, सॉरी उस चार्ज पे आपको नेट फोर्स क्या करना है, जीरो करना है. कब? अगर केवल उस चार्ज के इक्विलिब्रियम की बात करें. लेकिन अगर बोला है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, ईच चार्ज, हर चार्ज पे नेट फोर्स क्या है, जीरो है. आपको ध्यान रखना है नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज इज जीरो. ये कॉमन सी बात है, कॉमन सा डिफरेंस है जिसको आपको रियलाइज करना है. ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें आपको करना है केवल एक चार्ज पे नेट फोर्स जीरो. और जब लिखते हैं सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो हर एक चार्ज पे, एक चार्ज पे देखिए उस पर नेट फोर्स जीरो, फिर दूसरे चार्ज को कंसिडर कीजिए उस पर भी नेट फोर्स जीरो, फिर तीसरे चार्ज को कंसिडर कीजिए उस पर भी नेट फोर्स जीरो. यही आपको ध्यान में रखना है, ये प्रॉब्लम में बेसिक डिफरेंस है. इस डिफरेंस को जितनी जल्दी समझेंगे उतना अच्छा है. ये आपके लिए बहुत ही हाईली यूजफुल है, इसका आपको यूज करना है और यहाँ से बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है. ठीक है, चलिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं. सिंपल से प्रॉब्लम में ही हम सारा कुछ कंसीडर कर लेंगे, इक्विलिब्रियम है कि नहीं. अच्छा, इक्विलिब्रियम में एक और चीज आपको, एक और नोटवर्थी पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है. क्या नोटवर्थी पॉइंट है? इफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, मान लीजिए इक्विलिब्रियम स्टेबल आ गया, तो फिर आपको उसमें स्टेबल लाने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम से आप हल्का डिस्प्लेस के उस पर रीस्टोरिंग फोर्स, तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण उसका मोशन कैसा हो सकता है, ऑसिलेटरी हो सकता है. ठीक है, मोशन कैसा हो सकता है, ऑसिलेटरी. तो इफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, मोशन मे बी ऑसिलेटरी, मोशन मे बी ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी होने के खूब चांसेस है. ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए क्या होगा कि अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप इसको एक आगे ले गए और यहाँ पे आपने नेट फोर्स निकाला, यहाँ पे क्या निकाला, नेट फोर्स निकाला इस नए पोजीशन पे, आप इसको एक आगे ले गए. इफ नेट फोर्स, इफ नेट फोर्स इक्वल टू माइनस ऑफ सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, अगर ऐसा आ गया माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, अगर ऐसा आ गया, then we say that motion is SHM, then we say that motion is SHM. ठीक है, अगर ऐसा आ गया तो हम बोलते हैं motion क्या है, SHM है. ये ध्यान में रखना, constant कुछ भी हो सकता है, कोई भी value, कोई भी constant into x आ गया तो motion को हम बोलते हैं SHM. ये जो constant आएगा उसको हम बोलेंगे force constant. अच्छा समझना, अगर x के अलावा कुछ, मान लीजिए ऊपर भी x आया, नीचे भी x आया, ध्यान रखें power 1 ही आना चाहिए. लेकिन अगर x की power वन ही है लेकिन नीचे भी x आ गया या और कहीं, तब केस क्या होगा, मोशन इज ऑसिलेटरी. अगर x के अलावा कुछ और भी है तब मोशन क्या है, ऑसिलेटरी. और केवल एक जगह x आया है, केवल एक जगह x और कहीं x नहीं है, तब मोशन क्या है, SHM है. आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये आप मेंशन कर लीजिए, अगर ऐसा है तो SHM है, और अगर इसके अलावा कहीं और x है, इफ x इज अवेलेबल एट अदर पोजीशन, इफ x इज अवेलेबल, if x is available in denominator also, ज्यादातर denominator में ही होता है, denominator also, then motion is oscillatory, then motion is oscillatory, लिख लीजिए, then motion is oscillatory. ये आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये कॉमन सी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. ठीक है, फिलहाल हम SHM की बात कर रहे हैं. ठीक है, oscillatory है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास SHM है, क्योंकि SHM खूब पूछेगा, तो SHM आप f net को आप लिख सकते हैं, हमें f net को लिख सकते हैं, हमें so m equal to minus of this constant into x, constant पूछ रहा है, पूछाएगा तो acceleration equal to minus of constant into x, लेकिन acceleration तो खुद क्या होता है, minus omega square x, किसमें, किस एचएम में, नीचे मान लेंगे तो constant upon mx, तो यहां से omega की वैल्यू निकल के आ गई root under this constant upon m, root
के अंडर कांस्टेंट अपॉन एम ओमेगा आ जाएगा और टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई बाय ओमेगा दिस इज टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम ओमेगा को क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम ये दोनों बातें आपसे पूछेगा खासकर ये कब होगा व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल ये सारी बात कब होगी व्हेन इक्विलिब्रियम इज स्टेबल अनस्टेबल तब तो कुछ सोचना ही नहीं अनस्टेबल बड़ा सिंपल है ये सारी बात आपको स्टेबल में ही सोचना है स्टेबल में इतनी बात हो सकती है स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो आपको चेक करना है नेट फोर्स निकाल के अगर एक्स के अलावा कुछ भी आ गया तो मोशन ऑसिलेटरी है केवल एक्स आया ऊपर तो फिर मोशन क्या है एसएचएम एसएचएम है तो फिर आपको ओमेगा निकालना है टाइम पीरियड निकालना है इतनी बातें आपको एनालिसिस में करना पड़ सकता है मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है अंडरस्टूड है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बात को मैंने डिटेल में समझाया है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ठीक है फिर भी मैंने पूरा आपको जस्ट एक आइडिया दिया है अभी थोड़ा थोड़ा डाउट होगा भी तो वो प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएगा घबराना नहीं एकदम ही आसान है घबराना नहीं है एकदम ही आसान है कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है ठीक है जल्दी से देखिए कि क्या है छोटा सा सवाल देखिए सवाल क्या है देखिए यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू ठीक है यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू यहाँ एक चार्ज है प्लस क्यू और इसके बीचों बीच एकदम बीचों बीच ये भी दूरी के है ये भी दूरी के है बीचों बीच हमने एक चार्ज रखा प्लस स्मॉल क्यू यहाँ एक चार्ज रखा हमने प्लस स्मॉल क्यू ठीक है प्लस क्यू और ये प्लस स्मॉल क्यू क्या ये इक्विलिब्रियम में होगा पहले अभी बताइए कि क्या ये इक्विलिब्रियम में है हाँ इसके कारण इस पे फोर्स इस तरफ और इसके कारण इस पे फोर्स इस तरफ देखिए ना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा दोनों एकदम बराबर है तो इस पे नेट फोर्स जीरो है अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं अगर ये वो पे रखा है आपने तो इस पे नेट फोर्स क्या है जीरो है नो डाउट सो ये इक्विलिब्रियम में है तो है तो पूछा है डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इसका मास भी दे रखा है डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट पार्ट व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस और सेकेंड पार्ट व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस पहले पार्ट में है x एक्सिस और सेकेंड पार्ट में है y एक्सिस ये थोड़ा सा सोचना है फर्स्ट पार्ट में है डिस्प्लेस्ड अलोंग x एक्सिस सेकेंड पार्ट में है डिस्प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस थोड़ा सा सोचिए कैसे करिएगा थोड़ा सा प्लानिंग कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है थोड़ा सोचेंगे आंसर आ जाएगा अभी तो ये इक्विलिब्रियम में है जब ओ पे है क्योंकि ओ पे इस पे नेट फोर्स जीरो है इसके कारण इस पे इस तरफ और इसके कारण इस पे इस तरफ और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर अब आपको चेक करना है कि कैसा इक्विलिब्रियम है पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग करते हैं ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है अंडरस्टूड है अरे ये सब बातें तो आप कुछ समझ रहे हैं ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे ले जा रहे हैं तो हल्का यहाँ से मान लेते हैं इसको डिस्प्लेस कर दिया आपने यहाँ से इस चार्ज को हल्का डिस्प्लेस कर दिया तो अब ये चार्ज यहाँ आ गया ठीक है इसको मान लेते हैं 1 इसको मान लेते हैं 2 तो 1 जो इस पे फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा और 2 जो इस पे फोर्स लगाएगा 2 इस पे देखिए ना पॉजिटिव पॉजिटिव तो 2 इस पे फोर्स इस तरफ लगाएगा अच्छा बताइए ज्यादा कौन होगा बड़ा कौन होगा यहां से अगर ये इधर गया है तो इसकी दूरी बढ़ गई है और दूरी बढ़ने के साथ साथ फोर्स कम होता है ना दूरी क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो दूरी बढ़ने से फोर्स कम होता है तो आप ज्यादा दूर मुझसे नहीं रहिए पास रहिए तब आपको ज्यादा बेनिफिट होगा ठीक है वो भी जानते हैं स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है अगर आप थोड़ा दूर होंगे फोर्स कई गुना कम हो जाएगा तो पास रहिए चलिए यहाँ देखिए तो हम कह सकते हैं दूरी बढ़ा तो फोर्स कम हो गया इसका मतलब है ये एफ टू जो है काफी कम हो गया होगा क्योंकि दूरी बढ़ गई तो एफ टू कम हो गया लेकिन इस केस में क्या है पहले दूरी a थी और अब कितनी हो गई मात्र a माइनस x तो दूरी कम हो गई है तो f1 बढ़ गया सॉरी थोड़ा सॉरी 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 यहाँ देखिए
F1 है ना, इसके कारण F1 है। मैं कह रहा हूँ ये दूरी बढ़ गया तो F1 कम हो गया, F1 कम हो गया होगा, और ये जो इस पे लगा रहा है वो है F2, ये जो इस पे लगा रहा है वो है F2, इसकी दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है, तो फोर्स बढ़ गया होगा, तो F2 बढ़ गया होगा। मतलब क्या रहा? इसका मतलब है कि जैसे आपने इसको इधर डिस्प्लेस किया होगा, F2 ज्यादा होगा, F1 कम होगा, तो नेट इधर की तरफ इस पर फोर्स लगेगा, नेट इधर की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब है आपने इधर डिस्प्लेस किया और फोर्स इधर है तो कैसा इक्विलिब्रियम, अरे कैसा इक्विलिब्रियम है, आपने इधर डिस्प्लेस किया नेट फोर्स इधर है, इसका मतलब है इस पर कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता था, हल्का डिस्प्लेस करते थे, बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू रिटर्न बैक, मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अभी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, क्वालिटेटिवली आंसर बताया है कि कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब हम इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए एट न्यू पोजीशन, जो नया पोजीशन है, एट दिस न्यू पोजीशन अगर मुझे एफ नेट निकालना है तो बताइए क्या होगा। अच्छा देखिए, जिधर आप डिस्प्लेस करें ना, जिधर आप डिस्प्लेस करें उसी डायरेक्शन को पॉजिटिवली थोड़ा फायदा होता है। जिधर डिस्प्लेस करें, जैसे इधर डिस्प्लेस किया तो इसी डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो बताइए एफ नेट क्या होगा, F1 इस तरफ माइनस F2, क्योंकि F2 इस तरफ। अच्छा F1 जो इसने इस पर फोर्स लगाया है, F1 है, कितना होगा KQQ अपॉन दूरी, दूरी कितना होगा a प्लस x, सिंपल है, माइनस KQQ अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा होगा, KQQ अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर माइनस KQQ अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है, आसान है, यहां से आपके पास आ गया KQQ 1 अपॉन a प्लस x का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए जरा, इसको इसका एलसीएम ले लेंगे तो याद आएगा a प्लस x का होल स्क्वायर इनटू a माइनस x का होल स्क्वायर, ऐसे पूछा जाएगा। एलसीएम का सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, a माइनस x का होल स्क्वायर a प्लस x का, पूरा सॉल्व करेंगे आ जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से सॉल्व कीजिए। सो KQQ देखिए, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा माइनस 4ax, मुझे याद है, अरे a माइनस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगाइए माइनस 4ax। अच्छा ये देखिए, a प्लस b a माइनस b, a प्लस b a माइनस b क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये दो बार है तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और यही दो बार है इसका स्क्वायर। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, इसको दो बार ओपन करके लिख लीजिए, अपने आप आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, इसको दो बार लिखिए अपने आप आ जाएगा। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा ध्यान देना है, तो इस तरह का फोर्स आएगा, माइनस साइन को मैं मतलब फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ तक हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मतलब फाइनली आपके पास आ गया एफ नेट इक्वल टू माइनस 4KQQAX अपॉन A square minus x square का होल स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया ठीक है। मतलब कि स्टेबल है, यहाँ से पता लग गया इक्विलिब्रियम कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी पता लग गया, अगर हम मैथ्स लगा के करें तभी हमारे पास पता लग गया। अच्छा स्टेबल है तब आपको चेक करना है कि मोशन ऑसिलेटरी है कि SHM है, जल्दी से बताइए मोशन क्या है, ऑसिलेटरी कि SHM, SHM होने के लिए केवल x होना चाहिए था, देखिए खूब अच्छा x है यानी कि मोशन SHM है, सही है, नहीं गलत आंसर है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, ऊपर x की पावर 1 तो है लेकिन नीचे भी x है, सो मोशन इज ऑसिलेटरी, मोशन SHM नहीं है, अरे ध्यान देना है, मोशन इज ऑसिलेटरी, ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेटरी मोशन इज ऑसिलेटरी, SHM नहीं है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, आपको ऑप्शन में दे देगा मोशन इज ऑसिलेटरी, मोशन इज SHM, नाइदर ऑसिलेटरी नॉर SHM कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप रह जाएंगे, आप SHM लगा के आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप सबसे सिंपल आदमी है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, आपकी थिंकिंग इतनी हाई है इसीलिए तो पेपर में गलत हो जाता है, गलत नहीं करना है सही करना है। ठीक है, चलिए ये आपके पास आ गया मोशन इज ऑसिलेटरी,
अच्छा क्या कोई और क्राइटेरिया है जिससे ये SHM हो जाए, क्या कोई और क्राइटेरिया है जिससे ये मोशन SHM हो जाए? तो आप आसानी से देखिए ना, आसानी से देखिए, इफ x इज लेस देन a, अगर x a से बहुत छोटा हो जाए, अगर x a से बहुत छोटा हो जाए तो उस केस में x को हम a के सामने, क्योंकि आपने हल्का डिस्प्लेस किया होगा, अगर मान लीजिए थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे तो x a के सामने नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो उस केस में f net क्या आ जाएगा, जल्दी से देखिए, f net आ जाएगा -4kqa upon, देखिए x को नेग्लेक्ट कर दीजिए तो a की पावर 4 into x, एक a से कट गया, तो आपके पास उस केस में नेट फोर्स आ गया, therefore f net equal to -4kqq upon a cube into x, a cube into x, ऐसा कुछ आ गया. Now this motion is SHM. Now motion is SHM. तो कब motion SHM होगा? Motion SHM कब होगा? इसके लिए क्या होना चाहिए? X is less than a. अगर x बहुत ही छोटा है, तब motion क्या है? क्योंकि SHM देखिए, केवल ऊपर x आया, नीचे अब कुछ नहीं आया. यानी इस केस में motion क्या है? SHM है. कॉमन, बहुत ही सिंपल, ध्यान में रखना है. बहुत छोटी बात अगर आप ध्यान में रखेंगे पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे रिवार्ड मिलेगा -1 मार्क्स का, ठीक है? और मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं ना, बीच बीच में बताता रहता हूँ, चैनल को आप सब्सक्राइब करवा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 1000 सब्सक्राइबर, क्योंकि इसी के बाद आपको अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, क्या पता इसके बाद आपको और बेहतर चीजें अवेलेबल हो. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, ये आपकी कोशिश है. मैं तो कोशिश कर ही रहा हूँ, आप लोगों की कोशिश, अगर आप कोशिश करेंगे इजिली पॉसिबल है, ठीक है? कंप्लीट डिटेल में सारी डिस्कशन में कर रहा हूँ, ठीक है? कंप्लीट डिटेल में, कुछ भी छूटा नहीं है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा. आपको बस ये है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ताकि यूट्यूब में बार बार कह रहा हूँ 1000 सब्सक्राइबर उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ही वो हमें मोबाइल से या किसी और मीडियम के थ्रू भी लाइव होने का मौका देगा, या और भी कुछ फीचर्स हैं जो अवेलेबल कराएगा. सो 1000 सब्सक्राइबर पर ध्यान देना है कि कैसे 1000 सब्सक्राइबर हो. जो नए लोग जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड सर्किल में स्प्रेड कीजिए, ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि मोशन SHM है, मोशन SHM है. जैसे ही SHM है तुरंत हमें निकालना है कि उसकी ओमेगा क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगी. तो आपको बताया था, क्या बताया था अगर आपको याद है, अगर आप देखिए x के अलावा जो भी है ये सब कांस्टेंट है, x के अलावा जो भी है यही तो कांस्टेंट है. अभी अभी सिखाया था f net equal to क्या आ जाएगा, माइनस कांस्टेंट इनटू x आ जाएगा. देखिए पीछे क्या ये एकदम वैसा ही नहीं आ गया, माइनस कांस्टेंट इनटू x. देखिए x के अलावा ये सब कांस्टेंट है, अरे x के अलावा ये सब कांस्टेंट है. क्या है? कांस्टेंट है, तो मतलब ये सारा कांस्टेंट है. तो आप आसानी से कर सकते हैं, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर कांस्टेंट अपॉन m, ओमेगा इक्वल टू रूट अपॉन कांस्टेंट अपॉन m, पीछे सिखाया था, यानी कि रूट अंडर कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है 4kq upon ma cube. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ओमेगा, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर. कितना खूबसूरत सवाल. टाइम पीरियड पूछेगा 2π/ω, टाइम पीरियड पूछेगा 2π/ω, आसानी से कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. जो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, जब आपको इतना अच्छा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक आप कर ही रहे हैं, और चैनल को दूर तक पहुंचाइए, कमेंट कीजिए, अभी नहीं इसके बाद, वीडियो खत्म होने के बाद उसके नीचे जाकर आप कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको चीजें समझ में आ रही है, ठीक है? अभी जो आप कमेंट करते हैं वो विजिबल बाद में नहीं होता है, इसलिए वीडियो जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वो आपको विजिबल होता है सभी को, क्योंकि उसी कमेंट के थ्रू लोग जज करेंगे मुझे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? तो इसलिए प्लीज डू कमेंट, उसके बाद कमेंट जरूर कीजिए. ये आपको ओमेगा अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत है तो बताइए, यू कैन टेल मी. किसी को कोई दिक्कत है टेल मी, आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिर भी मैं पूछ रहा हूँ बार बार, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम डू आस्क, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको बताऊंगा, मुझे आता है सारा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना? आप ऐसा कोई भी सवाल पूछेंगे सबका आंसर आता है. प्लीज डू टेल, आप मुझे बताइए, आसानी से आपको उसका आंसर करेंगे, ठीक है? प्लीज वीडियो को पे कमेंट करना है बाद में. शिवम, जितने लोग शिवम, आई थिंक सुजाता, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब लोग बाद में वीडियो पर कमेंट कीजिए, अभी नहीं, इसके बाद कमेंट कीजिए. जो लोग और भी राघव, ये भी कटी,
बाद में वीडियो पर कमेंट कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसकी कोशिश जरूर कीजिए। चलिए इज इट फाइन, अभी सेकंड पार्ट रह रहा है, तो ये पूरा करना है हमें अभी, जल्दी देखिए सेकंड पार्ट। अभी हमें एक्स के अलोंग डिस्प्लेस किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब हमें वाई के अलोंग डिस्प्लेस करना है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि वाई के अलोंग डिस्प्लेस करने से क्या होगा, जल्दी खुद से सॉल्व करिए कि वाई के अलोंग डिस्प्लेस करने से अब क्या होगा। एक्स के अलोंग डिस्प्लेस करने से क्या आया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम आया था। एक्स के अलोंग डिस्प्लेस करने से क्या आया था, आपने इधर डिस्प्लेस किया था वो फिगर आया था नेट, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम था। स्टेबल में फिर हमने चेक किया कि मोशन ऑसिलेटरी है, SHM है कि नहीं, तो हमने पाया कि मोशन ऑसिलेटरी है। फिर हमने क्या देखा, अगर एक्स बहुत ही छोटा है ए के सामने तब मोशन क्या है, SHM है। SHM के बाद हमने ओमेगा निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। दिस इज पूरा प्रॉब्लम, दिस लाखों में एक सवाल था, पूरा आइडिया लगा दिया, कुछ भी मिस नहीं हुआ, सब कुछ हमने इसमें कवर कर लिया। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, थोड़ा हल्का जिंदगी का थोड़ा सा कुछ पल यहाँ सोचने में लगा दीजिए, सब कुछ आपको आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है। जल्दी से सेकंड पार्ट पर काम कीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं। सो अब इसको हमने डिस्प्लेस किया है किसके अलावा, अब हमने इसको डिस्प्लेस किया है वाई के अलावा, वाई के अलावा। तो थोड़ा सा सोचना है, बहुत मेहनत हो रही है, कितना चिल्लाना पड़ रहा है आपके लिए, ठीक है, जिसका कुछ तो रिवार्ड मिलना चाहिए। एटलीस्ट आप चैनल को तो आगे बढ़ाइए, ठीक है, 1000 सब्सक्राइबर में बार बार कर रहा हूँ, इतना चिल्लाना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फ्री में, ठीक है ना। तो आपसे बस मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप बस इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, तभी मैं हर दिन अवेलेबल हुआ करूंगा, नहीं तो धीरे धीरे मोटिवेशन लेवल गिर जाएगा। अगर आप नहीं कुछ कर पाएंगे, मान लेते हैं चैनल आगे नहीं बढ़ पाया, तो फिर मैं रोज क्यों पढ़ाऊंगा, बताइए, कोई फायदा नहीं है ना। तो फिर मैं सोचूंगा कि चलो ठीक है, जब इस तरह का मुझे कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, फीडबैक नहीं मिल रहा है, कोई कमेंट्स नहीं मिल रहा है मुझे बाद में, तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, फिर आदमी छोड़ देगा, ठीक है। मुझे पढ़ाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी होती है, लेकिन देयर मस्ट बी अ मोटिवेशन। जिंदगी में आदमी, हर आदमी कुछ ना कुछ मोटिवेशन चाहता है, ठीक है। अगर हम कोई आर्टिस्ट है, टीचर इज आर्टिस्ट, अगर मैं कुछ परफॉर्म कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली आई नीड फीडबैक, और मेरा फीडबैक सबसे बेहतर कौन देगा, मेरे स्टूडेंट्स। आप अगर देख पा रहे हैं तो प्लीज डू कमेंट, बाद में कमेंट कीजिएगा जैसे वीडियो खत्म होगा। चलिए अभी बताइए, वाई एक्सिस पे आप कैसे निकालेंगे। तो वाई एक्सिस पे इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ चार्ज था, इस पे तो नेट फोर्स जीरो था, ये तो इक्विलिब्रियम में था, ये दूरी है। अब यहाँ से हमने इसको मान लीजिए कुछ ऊपर यहाँ ले गए, मान लीजिए कुछ वाई ऊपर ले गए, इधर एक्स लिया था, इधर वाई ले लेते, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, सो इस नए पोजीशन पे आपको देखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो इसके लिए क्या देखना है, अगर आपने ऊपर डिस्प्लेस किया और नेट फोर्स ऊपर ही आ गया तो कैसा होगा, अनस्टेबल। अगर आपने ऊपर डिस्प्लेस किया, नेट फोर्स नीचे आया तो क्या होगा, स्टेबल। जल्दी से देखिए, तो यहाँ से इस चार्ज को उठाकर आप यहाँ ले गए, यहाँ से इस चार्ज को उठाकर यहाँ ले गए। अब इस पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा जो वन था और ये टू था, तो वन इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, वन इस पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये फोर्स उस डायरेक्शन में लगाएगा। अच्छा ठीक है, टू इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये भी दोनों पॉजिटिव है, ये इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस डायरेक्शन में, सो दिस इज फोर्स ड्यू टू टू। अब समझदार के लिए सारा काफी, आप देखिए ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, दूरी सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, सो F1 F2 बराबर होगा, लेकिन इन दोनों का नेट रिजल्टेंट इधर होगा, होगा कि नहीं, आसानी से क्लियर है, नेट रिजल्टेंट इधर होगा। अगर नेट फोर्स ऊपर ही है, मतलब कैसा इक्विलिब्रियम है, मान स्टेबल, सो नेट फोर्स F नेट इज अवे फ्रॉम इनिशियल पोजीशन से तो अवे ही है, means charge never returns, return नहीं करेगी, therefore equilibrium is, इसके अलावा जो equilibrium होगी, equilibrium is unstable, equilibrium is
अनस्टेबल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है लेकिन ये फिनेट निकाल देते हैं, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में आया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फिनेट निकाली तो फिनेट कैसे निकालिएगा? अच्छा देखिए F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड यहां देखिए, F1 और F2 दोनों तो बराबर ही है, कितना है जल्दी से बताइए। F1 F2, F1 का मैग्नीट्यूड होगा KQQ अपॉन ये दूरी कितनी होगी, ये a है ये y है, ये होगा root under a square plus y square, ये हो जाएगा root under a square plus y square और इसका whole square KQ1 Q2 upon r square। तो इसकी वैल्यू आ गई KQQ अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। यहां से KQQ अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया, यही फोर्स इधर भी है, यही फोर्स इधर भी है, दोनों की वैल्यू f है, दोनों को आप f कह सकते हैं, मतलब ये भी f है और ये भी f है मैग्नीट्यूड में। अच्छा बताइए अगर ये एंगल मैंने लिया थीटा तो ये भी एंगल थीटा, ध्यान से देखिए। अच्छा अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, अच्छा अगर ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, मतलब ये भी थीटा, ये भी थीटा। अब आप खुद देख सकते हैं इस f का इधर की ओर कंपोनेंट f cos थीटा और इधर की ओर f sin थीटा, इस f का इधर की ओर f cos थीटा f sin थीटा, मतलब कि टोटल नेट फोर्स कितना होगा 2f sin थीटा। सो देयरफॉर f नेट फ्रॉम डायग्राम, सो f नेट इक्वल टू 2f sin थीटा, f net equal to 2f sin theta, क्योंकि इधर इधर वाले तो कैंसिल हो गए, तो 2f, f की जगह तो यही वैल्यू है k q q upon a square plus y square, a square plus y square into sin theta, sin theta कितना होगा देखिए, sin theta is this upon this, this upon perpendicular upon hypotenuse, so this is y upon root under a square plus y square, कहीं कोई दिक्कत, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, आसानी से आप यहाँ से कर देंगे। तो कितना आ गया देखिए जल्दी से, so f net comes out to be 2kqqy upon a square plus y square raised to the power 3। आपने देखा इसमें माइनस नहीं आया, अगर माइनस आता तो इसका मतलब आपने ऊपर डिस्प्लेस किया फोर्स नीचे, लेकिन माइनस नहीं आया तो इससे भी पता लगता है कि कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल है, जिधर डिस्प्लेस किया उधर ही फोर्स आ गया। माइनस आता तो क्या होता, अपोजिट आता तब कैसा इक्विलिब्रियम होता, स्टेबल, अभी प्लस आया है तो अनस्टेबल, ये क्लियर है। अच्छा यहां देखिए जैसे जैसे वाई बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो आपसे पूछेगा किस वाई पे, किस y पे फोर्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, किस y पे फोर्स की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसी में फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच फोर्स इज मैक्सिमम। अनस्टेबल आ गया तो फिर SHM वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, SHM ऑसिलेटरी कब देखते थे, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल में ये सब देखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी आपसे पूछेगा कि किस y के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा, तो आपको पता है फॉर f टू बी मैक्सिमम, फॉर f टू बी मैक्सिमम अगर f को मैक्सिमम करना है, सो df by dy मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। जिनको डिफरेंशिएशन आती है वो इनको डिफरेंशिएट करिए, नहीं आती है ठीक है डिफरेंशिएट करके आप निकाल देंगे, अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट है आप आसानी से इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये तो कांस्टेंट ही है, ये तो कांस्टेंट ही है, केवल इसका डिफरेंशिएशन y अपॉन इसका। बट मैं बता रहा हूँ कि ये बार बार फिजिक्स में ये वाला ऐसा टर्म खूब आता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रूट टू रिंग भी निकालेंगे बाद में, तो ऐसा आता है kqx upon r square plus x square raised to power 3/2, देखिए एकदम ऐसा ही टर्म। तो ऐसे केसेस में जो ये मैक्सिमम होता है कब होता है, जब x की वैल्यू है r by root 2 प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी जानिए एकदम सेम वैसा ही है, बस x की जगह y है, मैं कह रहा हूँ इसको डिफरेंशिएट करके तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन निकालूंगा थोड़ा आप थक जाएंगे, थोड़ा क्यों मतलब आप कहेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैथ वाले बच्चे प्लीज इसको आप निकालिए जरूर, ठीक है। और अगर आप सिंपल इसको याद रखना चाहते हैं तो यहाँ से आ जाएगा
y equal to a upon plus minus. y equal to a upon root 2 plus minus. इसको differentiate करके देखिए. अगर नहीं आया है तो do comment, अगली क्लास में मैं बता दूंगा. नहीं अगर आपसे आए इसको differentiate करके क्या रूल लगाएंगे, quotient रूल. differentiate करके देखिए df by dy. y equal to plus minus a by root 2. यानी a by root 2 जब इसमें डालिएगा तब force की value क्या आएगी, maximum. So put f, put y equal to a by root 2 और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, f maximum की value. f maximum की value यहाँ से निकल के आ जाएगी. ये एक बार पूछा हुआ है problem में, y की जगह बस आपको a by root 2 डालना है, वहाँ से f की maximum value आ जाएगी. ठीक है, अच्छा variation दे देता है. variation क्या दे देगा, हो गया पूरा complete हो गया. variation क्या दे देगा, बोलेगा कि यहाँ से यहाँ ये दूरी ये है और तब पूछेगा कि यहाँ से कितनी दूरी पे रखे ताकि force maximum लिखे. बच्चा a by root 2 टिक लगा के आ जाता है, अरे गलत है, इस बार y कितना होना चाहिए, अब ये पूरा दूरी है, पहले 2a था ठीक है ना, मतलब अब ये दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी a by 2, इसका root 2, तो a by 2 root 2 करना होगा. मैंने पहले 2a लिया था, जब ये a है तो आंसर क्या आता है, a by root 2, तो जब ये a by 2 होगा तो आंसर क्या आएगा, a by 2 upon root 2, यानी a upon 2 root 2, ये ध्यान में रखना है. बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, खूब होता है, मैं कह रहा हूँ अगर खूब होता है मतलब आपसे गलत होकर रहेगा. आप ये लगा के तभी आओगे जब ये दूरी a दे, अगर ये दूरी a by 2 है तो आंसर आएगा a upon 2 root 2, उसको पुट करना है और वहां से आंसर निकालना है. ठीक है ना, वो सब चीज यहाँ पुट होगा, यहाँ भी फिर a by 2 पुट होगा, बदल जाएगा, पूरा ही बदल जाएगा और उस तरीके से आपको सॉल्व करना है. तो थोड़ा सा ये कॉमन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है. ये आपको अभी इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है ये जारी रहेगा और ये क्लास में भी रेगुलर बेसिस पे, जैसे ही लेक्चर खत्म हो रहा है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, सब्सक्राइब करवाइए और कमेंट जरूर कीजिए. जस्ट अभी क्लास खत्म हो, जितने लोग लाइव हैं या जो लोग भी बाद में भी देख रहे हैं प्लीज कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्या फीडबैक है, क्या कहीं तेज तो नहीं चल रहा है, प्लीज कमेंट कीजिए. कोई आपको डाउट है, कोई कंसर्न है, कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई है उसको भी आप बाद में कमेंट कीजिए, अगली क्लास में मैं उसको कवर कर लूंगा और डिटेल में आपको बताऊंगा. मैं कह रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, मुझे भी मोटिवेट करिए, ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है इसमें मोटिवेशन की जरूरत है ताकि मुझे पता चले कि ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देख रहे हैं, मुझसे जुड़ रहे हैं, वो मेरी बातों को समझ रहे हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है. इसके लिए प्लीज मैं वर्क करता रहूंगा, आपसे बस एक वर्क है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए. ठीक है, थैंक यू सो मच.